हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का सिविल स्टाफ में। चलिए, तो आज की क्लास में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको मैथ और कंप्यूटर दोनों के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, ओके जी। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन और, कल हमारी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है ना, कल हमारी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। आपने 1 बजे सबने तैयार रहना है। उस क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की क्लास होगी। नंबर सिस्टम इन द सेंस कि वही जो बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी कन्वर्जन्स आपको उसमें सिखाऊंगा। प्लस कुछ जो इसके ऊपर ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1 बजे आप सबने जरूर आना है, सबने अच्छे से क्लास अटेंड करनी है। पेपर में एक दो सवाल इसके ऊपर आ जाते हैं, और 2021 में जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था उसमें भी एक सवाल बना हुआ था। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। आज पहले जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे पाइपलाइन सिस्टम में वो डिस्कस करवाऊंगा, फिर पाइपलाइन सिस्टम के कुछ सवाल करेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक सवाल करेंगे जितना हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें एवरेज स्पीड भी इंक्लूडेड है, और लास्ट में हम कंप्यूटर के एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी होते हैं उन सबके क्वेश्चन होंगे। मतलब जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है ना उसके क्वेश्चन। इसमें मेमोरी को मैंने अभी इंक्लूड नहीं करा है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा मेमोरी के, सॉफ्टवेयर के, बाद बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्लास का था पाइपलाइन सिस्टम का वो है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या पाइप कैन फिल द सिस्टम इन 40 मिनट्स, कि एक ए पाइप है। एक वन सेकेंड, ए पाइप है जो कि 40 मिनट में टैंक को भरती है, बी पाइप है जो कि 30 मिनट में टैंक को भर देती है, और एक सी पाइप है जो 12 मिनट में भरा हुआ टैंक खाली कर देती है। तो नेगेटिव वर्क है। आपको क्या बोला गया, फर्स्ट टू पाइप्स आर ओपन फॉर 6 मिनट, पहली दो पाइप्स को मैंने 6 मिनट के लिए ऑन करा, देन थर्ड पाइप इज ऑल्सो टर्न ऑन, मतलब फिर तीसरी पाइप को भी मैंने ऑन कर दिया। आपसे बोला गया है कि कब टैंक खाली होगा, टैंक कब खाली होगा, अभी भी खाली है आपसे पूछा गया है, फिर दोबारा कब खाली होगा। ठीक है सर, OSI लेयर पढ़ा दिया है आपने? नहीं, अभी कहाँ, वो तो इंटरनेट में करेंगे, वो तो अगली से अगली क्लास, मतलब ये जो क्लास है उससे अगली, उससे अगली, तीसरी क्लास के बाद होगा वो। 120 हमारे पास एलसीएम आएगा, यहाँ पे 3 एफिशिएंसी, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 10। तो आपको क्या बोल दिया है कि ए और बी पाइप को 6 मिनट के लिए ऑन करा है, तो ए प्लस बी अगर मैं 6 मिनट के लिए ऑन करता हूँ तो 1 मिनट में 7 भरती है, तो 6 मिनट में कितना भर देगी, 42। ठीक है, तो 42 लीटर पानी अभी भरा हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सी को भी ऑन कर दिया, तो जब सी पाइप भी ऑन होगी तो ए भरेगा 3 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर, और सी खाली कर देगा 10 लीटर। ओवरऑल कितना हुआ, 3 लीटर खाली हो गया, ओवरऑल 3 लीटर खाली हुआ है। ठीक है, तो 42 लीटर खाली करने के लिए मुझे कितना समय लगने वाला है, 14 मिनट। कितना समय लगने वाला है, 14 मिनट। ये सवाल था जो आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन था जो मेरा होमवर्क था। तो आई होप आपने करा भी होगा, मैंने काफी कमेंट्स देखे थे, सही थे बिल्कुल सबका, सही था आंसर, और आपको भी समझ आ गया होगा जिन्होंने नहीं करा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टैप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, एक टैप है जो 8 घंटे में टैंक को भरेगी। ठीक है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, वट इज द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक कंप्लीटली। अब क्या बोला गया है इसमें कि एक टैप है ए जो कि 8 घंटे में टैंक को भरती है। ठीक है, उसने क्या बोल दिया, आफ्टर हाफ द टैंक फिल्ड, जब आधा टैंक भर जाता है तो इसके जैसे 3 पाइप्स और लग गई। मान के चलो, एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं, कि मान लो इन्होंने 8 घंटे में 8 लीटर पानी भरना है, तो आधा टैंक जब भरता है, आधा टैंक भरने का मतलब क्या है कि 4 लीटर पानी भर चुका है, तो 4 घंटे में भरा होगा। ठीक है, 4 घंटे में क्या हुआ, 4 लीटर पानी भर गया, तो ये जो 4 लीटर बचा हुआ पानी है ना, ये कौन भरता है, इसके जैसी 3 पाइप्स और आ जाती हैं, मतलब टोटल 4 पाइप्स हो जाती है ना। 3 मोर पाइप्स आर ओपन, सिमिलर टैप्स आर ओपन, तो एक थी, 3 और 4 आ गई अब। तो देखो, इन 4 पाइप्स को 4 लीटर भरने के लिए 1 घंटा लगेगा कि नहीं,
एक पाइप को अगर 4 घंटे लगते हैं तो 4 पाइप को 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा यहाँ पे और लग जाएगा और जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास 5 आवर्स। आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5 आवर्स। चिराग का आंसर आया था बस ये, ठीक है? सभी आंसर करा करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल था जो मैंने आपको दिया था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरियसली बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको आपने आराम से समझना है, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपको क्या बोल दिया गया है कि टू पाइप्स ए एंड बी फिल द सिस्टम इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स। एक सेकंड का मैं ब्रेक चाहूंगा, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार। हाँ जी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि टू पाइप्स मैंने ओपन करी हैं जो टैंक को भरती हैं 14 आवर्स में और 16 आवर्स में। ए को लगते हैं भाई 14 आवर्स, बी को लग जाते हैं जी 16 आवर्स, ठीक है? उसके बाद क्या है कि पाइप्स को मैंने ऑन करा है साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप्स को मैंने एक साथ ऑन करा। ऑन करने का मतलब क्या है कि दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले एलसीएम लूंगा। कितना आएगा मेरे पास? 112। एफिशिएंसी आएगी 8, एफिशिएंसी आ जाएगी 7। फिर उसने क्या बोल दिया कि दोनों को ऑन करा और मुझे पता चला कि ड्यू टू लीकेज, लीकेज की वजह से, एक लीकेज भी है उसमें, लीकेज की वजह से 32 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं पानी को भरने में, ठीक है? मतलब जितना समय ये दोनों लेते हैं पानी भरने में उससे 32 मिनट ज्यादा लगेंगे, ठीक है? ए प्लस बी प्लस एल, इसके साथ अगर लीकेज भी आ जाती है तो समय कितना लगता है? ए प्लस बी प्लस 32 मिनट्स, इतना समय लगेगा, ठीक है? आपसे पूछा गया है कि बताओ लीकेज को कितना टाइम लगेगा टैंकों को खाली करने में। क्लियर है जी? तो मैं यहां पे लिखता हूं ए प्लस बी प्लस एल। तो हम पहले ये देखेंगे कि ए प्लस बी को कितना समय लगता होगा। तो ए प्लस बी को कितना समय लगता है? 112/15, इतने लगता है ना? 112 टोटल भरना है, और ये दोनों मिलके एक मिनट में कितना भरते हैं? 1 घंटे में 15 लीटर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 7 7/15 आवर्स बनेगा, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 आवर 28 मिनट। मतलब ए प्लस बी को लगते हैं 7 घंटे 28 मिनट, बट उसने क्या बोला था कि अगर लीकेज आ जाती है साथ में तो लीकेज की वजह से इसको 32 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर मैं 32 मिनट यहां पे ऐड कर दूंगा तो बेटा 8 घंटे हो जाएगा कि नहीं? 28 मिनट में 32 मिनट ऐड होंगे तो 1 आवर बनेगा, तो 7 प्लस 1 8 आवर। मतलब ए प्लस बी प्लस लीकेज को 8 घंटे लगेंगे, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि इनको 8 घंटे लगेंगे, ए प्लस बी प्लस एल को। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 8 × 14 होता है 1 1 2। तो बेटा ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 7 है, तो सी की क्या हो जाए, एल की क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि टोटल क्या है? 14। तो लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर पानी क्या करती है? ड्रेन करती है। तो 112 लीटर ड्रेन करने के लिए इसको समय लगेगा 112 आवर्स, 112 आवर्स, ठीक है जी? अच्छा, टेस्ट सीरीज में था ये क्वेश्चन? हाँ, हो सकता है हो, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है जी। अच्छा सवाल है, ऑब्वियसली अच्छे सवाल टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा वो क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में नहीं डालूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं टेस्ट सीरीज में भी डालूंगा। मुद्दा यह है कि क्या आप उसको आंसर दे पाते हो टेस्ट सीरीज में या नहीं। जो मुझे अच्छा लगेगा ना मैं जरूर डालता हूँ टेस्ट सीरीज में, क्योंकि 2 बार अगर आपको दिख जाए ना अच्छी बात है, वो पेपर में भी हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि अच्छे सवाल हैं ये सारे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, असिस्टेंट हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। एक असिस्टेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें एक लीकेज है, वो 8 घंटे में लीकेज क्या करता है, पानी सारा ड्रेन आउट कर देता है। आपको बोला गया कि एक टैप को मैंने ऑन करा विच एडमिट 6 लीटर्स इन अ मिनट। हिंदी में ट्रांसलेट करना मैं इसको भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं हिंदी में बता दूंगा इसको, ठीक है? क्या लिखा गया है कि एक टैप को मैंने ऑन करा जो कि 6 लीटर पानी भरती है 1 मिनट में। तो ये आपको एफिशिएंसी गिवन है ए पाइप की, ये क्या करती है, 6 लीटर पानी भरती है पर मिनट, ठीक है जी? आपको क्या बोला गया है कि इट इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। कहा क्या गया है बेटा, इसको समझना, लीकेज जो है वो 8 घंटे में भरा हुआ टैंक खाली कर देती है। मैंने क्या किया, एक इनलेट पाइप ऑन करी जो कि 6 लीटर पानी भरती है 1 मिनट में, और उसकी वजह से भी टैंक फिर एम्प्टी हो गया 12 आवर्स में। मतलब ए को ऑन करा बट स्टिल टैंक खाली हो रहा है 12 आवर्स।
तो आपसे बोला गया है कि बताइए हाउ मेनी लीटर्स डज सिस्टर्न होल्ड। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कितना पानी होगा सिस्टर्न में, आपसे कैपेसिटी पूछी गई है। तो बेटा कैपेसिटी कैसे निकलती है, कैपेसिटी निकलती है एफिशिएंसी इनटू टाइम करके, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। क्योंकि देखो टाइम कैसे निकालते हैं हम, कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी, तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी आपको एक ही गिवन है, तो जिसकी एफिशिएंसी गिवन होती है आपने उसी का ही टाइम निकालना है। अगर एक ही एफिशिएंसी गिवन है तो ए का टाइम निकालेंगे, अगर लीकेज की एफिशिएंसी गिवन होती तो लीकेज का टाइम निकालते हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ए की एफिशिएंसी है तो हम ए का टाइम निकालेंगे किस प्रकार से, 8 और 12 के एलसीएम आएगा 24, लीकेज की एफिशिएंसी रहेगी -3 और ए प्लस एल की एफिशिएंसी क्या रहेगी, -2। -2 क्यों लिखा है, क्योंकि टैंक 12 घंटे बाद खाली हो रहा था। तो अगर खाली हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि टैंक क्या हो रहा है, हमारे पास एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। तो बेटा अब आगे क्या करेंगे, लीकेज की एफिशिएंसी है 3 माइनस का, इन दोनों की मिला के क्या है -2, तो ए की एफिशिएंसी क्या रही होगी, 1। तो ए की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए को समय कितना लगेगा, 24 आवर्स। तो मुझे क्या करना था यहाँ पे, ए का टाइम निकालना था, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकालना, आपने टाइम ही है। और जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद कैपेसिटी निकालने के लिए एफिशिएंसी कितनी है, 6 लीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में अगर 6 लीटर पानी है तो 1 घंटे में कितना होगा, 360 लीटर, और 24 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, इंटू 24 कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8640, 8640 लीटर। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल था, टाइम एंड वर्क में कभी भी टोटल वर्क नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें कैपेसिटी का क्वेश्चन आ जाता है। बस आपने करना क्या है, जिसकी एफिशिएंसी गिवन होती है उसका टाइम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। और अगर किसी सवाल में आपको एफिशिएंसी गिवन नहीं है और आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने कैपेसिटी है, तो उस केस में आंसर रहेगा कांट बी डिटरमाइंड, उस केस में आंसर रहेगा हमारा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। विजमा देवी, विजमा मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या लिख रहे हो, प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्शन के साथ लिखो, मुझे समझ नहीं आप क्या लिख रहे हो, अगर किसी को और को समझ आया प्लीज मुझे बता दो क्या लिखा हुआ है। ठीक है चलो भाई, अब ये सवाल आपने करना है, मुझे बताओ कितना आंसर रहेगा। इस सवाल को अब आपने करना है, मुझे बताइए अच्छा, पर डे, ओके ओके ओके, पर डे है, ठीक है इसका, ठीक है। हाँ वो टाइम टेबल होता है प्रॉपर ना कि कब टेस्ट आएगा, वैसे आप टेस्ट को कभी भी दे सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पता नहीं आपका पूरा दिनचर्या क्या है ये तो आपको ही पता है ना, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी टेस्ट दे सकते हो। इसमें क्विज होते हैं तो क्विज आप ऑनलाइन कभी भी दे सकते हो, बाकी मैं तो यही कहूंगा कि आप पीडीएफ के थ्रू ही करें, पीडीएफ के थ्रू ही आप इसको टेस्ट सीरीज को दें। लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर बाकी जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वही बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं मैथ का बता सकता हूँ, मैथ का तो अच्छा लेवल होगा, बाकियों का बाकी स्टूडेंट एक बार प्लीज बता दो लेवल क्या है टेस्ट सीरीज का। पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, पॉपुलेशन जो है वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है, तो वो ज्योग्राफी वाले सर ही करवाएंगे। चलो इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर दीजिए, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल द सिस्टर्न इन 6 आवर्स, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी इज क्लोज एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक इज। हाँ जी बताइए कितना आंसर आएगा। बताइए बेटा कितना आंसर आएगा इसका, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, गलती से मैंने ट्रांसलेट नहीं किए हैं। तो 3 पाइप्स हैं ए बी सी जो टैंक को भरती हैं 6 घंटे में, उसने क्या बोला है कि 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया है और ए और बी ने बची हुई बचा हुआ जो टैंक है उसको 7 आवर्स में फिल करा है। तो आपसे पूछा गया है कि सी अकेला अगर होता तो पूरा टैंक कितने समय में भरता।
हाँ जी, हाँ जी, टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, पीडीएफ मिलेंगे आपको। चलो देखो, ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में टैंक भरते हैं, ये हमें पता चल चुका है। अब क्या हुआ कि 2 घंटे तक इन्होंने काम किया, 2 घंटे तक इन्होंने काम किया, फिर सी को बंद कर दिया। तो मतलब 2 घंटे का काम तो ए बी सी ने कर ही दिया ना, तो ए बी सी का हमारे पास 4 आवर्स का वर्क बचा हुआ है, 2 आवर्स का कंप्लीट हो चुका है एंड 4 आवर्स का इनका काम बचा हुआ है। और ये जो काम है, ये सी अकेला, सॉरी, ये ए प्लस बी कितने समय में करते हैं, 7 आवर्स में, यही है ना सवाल। ए बी सी का 4 घंटे का काम ए और बी कितने समय में कर रहे हैं, 7 आवर्स में। तो ये रहेगा बेटा यहाँ पे टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7:4, उल्टा हो जाता है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी हमारे पास 7 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या रहेगी, 3 रहेगी। सी की एफिशिएंसी क्या रहेगी, 3, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास 3। तो अगर मुझे सी का टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है ना। तो एफिशिएंसी हमारे पास है 3, और वर्क कितना होगा कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 7 लीटर भर, 1 घंटे में 7 भरते हैं, तो 6 आवर्स में टोटल कितना भरते होंगे, 42। तो आंसर आएगा हमारे पास 14 आवर्स, आंसर कितना आएगा हमारे पास, 14 आवर्स। और ये सेम सवाल आपको टाइम एंड वर्क में भी पूछा जा सकता है, ये सेम सवाल बेटा आपको टाइम एंड वर्क में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें देखो जी क्या लिखा हुआ है। सी का 3 कैसे आया, देखो ए बी सी का 7 है, देखो ए बी सी का 7 है और ए प्लस बी का 4 है, मतलब आप 3 भाई हो, टोटल आपके पास 7 रुपए हैं, आपके 2 भाइयों के पास 4 रुपए हैं, तो आपके पास कितने हैं जी, 3 ही होंगे ना, वही है जी सी। चलो बताओ भाई इसका कितना आंसर आएगा। अब ये जो सवाल है आपको मैं हिंट देता हूं, जब भी कभी ऐसा हो ना कि आपको बोला गया है कि हाफ हाफ टाइम के लिए यूज किया है, तो हाफ हाफ टाइम के लिए कैसे यूज होता है, जब हम उनको ऑल्टरनेटली काम करवाएं, ये ऑल्टरनेट वर्क का एक टाइप होता है। जब भी कभी मैं आपको ये कहूँ ना कि ऐसा करो, आधे आधे टाइम के लिए काम करो आप, जब तक काम खत्म नहीं होता आधे आधे समय के लिए आपने काम करना है, तो उस केस में हम हमेशा ऑल्टरनेटली करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कब काम खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक एक मिनट के लिए काम करेंगे ऑल्टरनेटली, या फिर एक एक घंटे के लिए करेंगे, ये चीज होती है। ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाना टेस्ट सीरीज को लेने से पहले, क्योंकि आज मैं बात हो रही थी, आज हम डिस्काउंट लगाने वाले हैं फिर से, ठीक है, डिस्काउंट ऐड करेंगे यार, जो कि आई थिंक 23 to 24 तक चलेगा, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज हम बंद ही कर देंगे ओवरऑल ही, ये जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है इसको 24 तारीख को बंद कर देंगे हम, तो बस अभी जो 3-4 दिन है इसमें मैं ऑफ ही लगा दूंगा आपका, तो कोई भी अगर मान लो जरूरतमंद भी है कोई, तो वो भी ले लेगा इसको, तो 24 तक ही रहेगी अब ये टेस्ट सीरीज, मतलब हम हटा देंगे उसको सेलिंग से, वो आपको फिर उसके बाद दिखेगी नहीं कभी भी, ठीक है। बट अभी रुक जाना, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा कूपन कोड, तो कूपन कोड आपने लगा लेना है। चलो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो उसने बोला है कि ए जो है वो 60 मिनट्स में टैंक भरता है, बी जो है वो 40 मिनट में टैंक भरता है, ठीक है, 40 मिनट में टैंक भरता है। आपको बोला गया है हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक फ्रॉम द एम्प्टी स्टेट इफ बी इज यूज फॉर हाफ टाइम एंड ए एंड बी यूज फॉर द अनदर टाइम अदर हाफ, मतलब कुछ आधे टाइम के लिए ए यूज करना है, आधे टाइम के लिए ए प्लस बी का यूज करना है, ये कह रहा है वो। तो बच्चे एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 120, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो आधे आधा टाइम कैसे होगा कि मैं ऐसा करूंगा, पहले मिनट में बी को चला दूंगा, सेकेंड मिनट में ए प्लस बी को चला दूंगा, तो अगर आप 10 मिनट बाद देखोगे तो 5-5 मिनट होंगे, अगर आप 6 मिनट बाद देखोगे तो 3-3 मिनट चलेंगी, तो इस तरीके से क्या होगा, आधा आधा टाइम रहेगा इन दोनों का हमेशा। तो अगर मैं इनको ऑल्टरनेटली चलाता हूं तो बी भरता है 3 और ए प्लस बी भरते हैं 5, ठीक है, तो हर 2 मिनट में कितना भरा जाएगा,
हर 2 मिनट में कितना टैंक भरा जाएगा? 8। हर 2 मिनट में टैंक कितना भरा जाएगा? 8। भरना कितना है? 120। तो इंटू 15 करो यहाँ पे, इंटू 15 करो यहाँ पे, 30 मिनट्स में कितना भर चुका है टैंक? 120 लीटर। 30 मिनट्स में टैंक कितना भर चुका है? 120 लीटर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, 15 मिनट चलेगा इसमें से बी और 15 मिनट ही चलेगा इसमें से ए प्लस बी। आप चाहे चेक करके देख लो, 15 मिनट में अगर बी चलेगा तो कितना भरेगा? 45 लीटर। 15 मिनट में बी कितना भरेगा? 45। और 15 मिनट्स में ए प्लस बी कितना भरेंगे? 1 मिनट में 5, तो 15 मिनट्स में 75। ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये इस तरीके से करना है। नेहा बेटा लिखा हुआ है यार, आप पढ़ते नहीं हो, बस क्वेश्चन को ना पढ़ा करो एक बार। बी इज यूज फॉर हाफ टाइम एंड ए प्लस बी फिल्स इट टूगेदर फॉर द अनदर हाफ। ये मेंशन्ड है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा दवेश। हाफ हाफ टाइम, जब अगर मान लो प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वो हाफ हाफ टाइम कभी चल ही नहीं सकता, वो हाफ हाफ टाइम कभी चल ही नहीं पाएगा ना, पूरा प्रॉपर ही डिवाइड होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस। अब ये टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल आ गए। पाइप एंड सिस्टम में जो था ना सारा हो गया, अब कुछ नहीं बचा टाइम एंड डिस्टेंस में। अच्छा बी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, सवाल को समझना उसको 50% करने के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर एक बार समझ आ गया ना तो सोल्व भी कर ही लोगे। जैसे ये सवाल है, ये आपने करना है, अब ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको, पहले आपने आंसर करने हैं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। जल्दी से करिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शाबाश फटाफट। देखो मैथ को इजी वे तो कुछ भी नहीं होता है वैसे। शांत समुंदर कभी भी स्किल्ड सेलर्स नहीं बनाते। स्किल्स चाहिए तो आपको मुश्किल करना ही पड़ेगा किसी भी चीज में। अगर आपको स्किल चाहिए, अच्छी स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए आपको गहरे समुंदर में उतरना ही पड़ेगा भाई। ये वही चीज है। सिक्सटी किलोमीटर। देखो सिंपल सा सवाल था, मैं ज्यादा मुश्किल करवाऊंगा भी नहीं आपको इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में। अभी उसने बोला अ मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर किलोमीटर इन 4 आवर्स ऑन अ बाइक। हाउ मच डिस्टेंस विल द बाइसाइकिल कवर्स इन 8 आवर्स इफ द राइड्स द बाइसाइकिल एट 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ बाइक। तो अगर मैं बाइक की बात करता हूँ बेटा, तो बाइक जो है वो 180 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। तो ये आ गई हमारे पास बाइक की स्पीड, ठीक है, बाइक की स्पीड आ गई है। अब उसने क्या बोला, बाइसाइकिल की स्पीड क्या है? उसकी 1/6 है, तो 1/6 है। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 30 से कैंसिल हो रही है, कितना आ गया? 15/2। ये आ गई बाइक की स्पीड। आपको बोला गया है कि 8 आवर्स में बाइसाइकिल से कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 60। ये जी सवाल बिल्कुल आसान तरीके से करो, कोई ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये एवरेज स्पीड का सवाल है, एवरेज स्पीड का। अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 10 आवर्स, 10 घंटे में डिस्टेंस कवर होता है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड हाफ जो है वो कवर होता है डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है कि बताइए डिस्टेंस क्या रहा होगा। बेटा डिस्टेंस होता है स्पीड इन टू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड, कौन सी, एवरेज इनटू टाइम। टाइम है 10 आवर्स, आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। चलो बताओ कितना आएगा आंसर। लॉस कुछ नहीं होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। देखो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें क्विज रहते हैं, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पीडीएफ रहते हैं, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लॉस कुछ नहीं है यार। लॉस नहीं, आप कौन सा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो जो लॉस हो जाएगा? कुछ तो सीखोगे ही ना। लॉस उनको होगा जो 3 जुलाई को लेंगे टेस्ट सीरीज पेपर के बाद, उनको लॉस है बस, उससे पहले कोई लॉस नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अगर 10 दिन पहले भी आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो 10 दिन में भी अगर आप कुछ तो करोगे ही ना, पूरी नहीं कर पाओगे लेकिन कुछ तो सीखोगे। हाँ बस अभी 2-3 बचे हुए हैं, उसके बाद कंप्यूटर के एमसीक्यू करवाऊंगा।
मेरी क्लास जो है वो रहती है ऑलमोस्ट 1 घंटे की, 12:30 बजे तक रहेगी, जिसमें हम कंप्यूटर के एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। इसका आंसर बताओ, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 168। कितना आएगा, 168। एफिशिएंसी सॉरी, यहाँ पे टाइम लगेगा 8, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 7। टोटल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड, ये क्या रहेगी, एवरेज स्पीड। अब इस एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। बस मुझे सॉल्व करना है इसको, 2 और ये 3 और ये 56, तो 56 इंटू 4 होता है 224 किलोमीटर। तो 224 किलोमीटर रहेगा इस सवाल का सही उत्तर, 224 किलोमीटर रहेगा इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। चलो अब ये वाला सवाल करके दिखाओ एक बार, अब मजा आएगा इस सवाल को करने का। ये भी एवरेज स्पीड का ही सवाल है। उसने क्या बोला कि एक आदमी है, वो कोई डिस्टेंस कवर करता है विद रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया, और वापिस आता है, मतलब देखो क्या हुआ कि वो अपने घर से निकलता है, कहीं जाता है बाय ट्रेन, स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर, आता है पैदल, स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर। पूरा आने जाने का डिस्टेंस कवर होता है 5 घंटे 48 मिनट में, 5 आवर्स 48 मिनट, सॉरी, डिस्टेंस कवर होता है 5 आवर्स 48 मिनट्स में। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कितना उसने राइड करा होगा, राइड वाला डिस्टेंस पूछा गया है। राइड तो इसने करा ही नहीं है, चलो बताइए भाई कितना उत्तर होगा इसका। ट्वेंटी किलोमीटर 24, 22, 18, क्या रोंग है बेटा, क्या चीज रोंग है। ओहो, मैंने रोंग लिख दिया क्या, ओहो काश मैंने 2 क्लासेस इंग्लिश की लगा ली होती तो मैं कर लेता है। अब आपके साथ इंग्लिश की क्लासेस भी लगाऊंगा मैं अब, ठीक है। अब ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, देखो जाते हुए वो गया था बाई ट्रेन, ठीक है, और वापसी में वो आया है वॉक करता करता, ठीक है। यहाँ पे स्पीड थी 25, यहाँ पे स्पीड थी 4, एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, 100, यहाँ पे एफिशिएंसी 4, यहाँ पे 25 अपॉन 29 इंटू 2, तो एवरेज स्पीड आएगी 200/29 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है काम, यहाँ तक तो काम क्लियर है भाई सबका, इस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना। अब बात करते हैं टाइम की, टाइम लगा था बेटा यहाँ पे 5 आवर्स 48 मिनट्स, 5 आवर्स 48 मिनट्स, 48 को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ऐसे, है ना, 48 मिनट्स को दे 4/5, यानी कि 5 4/5 आया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 29/5 लिख सकता हूँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 29/5 आवर्स, ठीक है। अब देखो अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, एवरेज स्पीड इंटू टाइम, एवरेज स्पीड इंटू टाइम, इस तरीके से, तो आंसर आएगा मेरे पास 40 किलोमीटर। बताओ यहां तक तो कोई डाउट है किसी को, हाँ जी, हाँ बताओ भाई, ये चीज समझ आई सभी को। अब ये जो 40 किलोमीटर आया है ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, अब ये ऑप्शन में क्यों नहीं है उसके पीछे का रीजन देखो क्या है। हालांकि ऑप्शन में होता तो हम टिक करते हमारा गलत हो जाता, 40 आंसर नहीं है। आपसे बोला गया था कि उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटे 48 मिनट लगे हैं, मतलब आने जाने में 5 घंटे 48 मिनट लगे हुए हैं उसको, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस उसने सिर्फ बाय वॉक उसने कवर करा है, ठीक है। तो वो कौन सा आधा डिस्टेंस होगा आने जाने का, अगर मान लो आपको लग 40 किलोमीटर है तो एक तरफ का पूछा हुआ है ना आपसे, तो एक तरफ का डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से डिवाइड बाय 2 किया है, क्यों किया है, क्योंकि टोटल टाइम गिवन था आने जाने का,
तो टोटल डिस्टेंस भी आया होगा आने जाने का, आपसे एक तरफ का पूछा हुआ है तो आंसर रहेगा 20 किलोमीटर। ठीक है जी, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्या कह रहा आपसे, ये आसान सवाल है, इसका आपने आंसर करना है भाई, बताओ। हाँ जी भाई, करो जरा शाबाश आंसर। अ ट्रेन डज अ जर्नी विदाउट स्टॉपेज इन 8 आवर्स। इफ इट हैड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव डन द जर्नी इन 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। आपसे पूछा गया है ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी। शिवानी ऐसे ना करो प्लीज, इंटू टू कैसे था यार, कल ही करवाया ये तो, अभी अभी तो ज्यादा दूर भी नहीं गए हम। क्लास देखो कल वाली, कल वाली क्लास देखो पूरी। बताओ भाई कितना आंसर आएगा। कह रहा कुछ डिस्टेंस है वो 8 घंटे में कवर होता है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो वही डिस्टेंस 6 घंटे 40 मिनट में कवर होगा। 6 घंटे 40 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 2 बाय 3 है ना, या फिर 20 बाय 3। 20 बाय 3 कह रहे यही डिस्टेंस कवर करना है 20 बाय 3 में। पहले डिस्टेंस होता था 8 घंटे में, अब डिस्टेंस कवर हो रहा है 20 बाय 3 में। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, रेशो बना लेता हूँ टाइम की, टाइम का रेशो बना लेता हूँ। टाइम का रेशो कितना आएगा बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 24:20 या फिर 6:5। तो अगर ये टाइम का रेशियो 6:5 है तो एफिशिएंसी, सॉरी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5:6, यही है ना। अब आपको क्या बोला गया है कि स्पीड उसने 5 किलोमीटर पर आर इंक्रीज करी थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितनी इंक्रीज हुई है, 1। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे पूछा गया है ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई एक्स मानने की आपको जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि पहले टाइम 8 घंटे लग रहा था, अब इतना लग रहा है, तो टाइम का रेशियो 6:5, स्पीड का रेशियो 5:6, उल्टा हो जाता है ना, स्पीड इज इनवर्स ऑफ टाइम, यही चीज है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि स्पीड बढ़ी 1:1 में, वैल्यू में क्या कह रहा था, 5 किलोमीटर बढ़ा दी थी, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25। तो ओरिजिनल स्पीड पूछी है 25, अगर नई स्पीड पूछता तो 30। थी द आंसर, देख रहा हूँ जी देख रहा हूँ, गलत करोगे फिर बताऊंगा, सही कर रहे हो तो सही चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, अब बारी आ जाती है कंप्यूटर की। यहाँ पे हमारा जो मैथ वाला सेक्शन था वो खत्म हो चुका है, तो आज की क्लास में जो पेंडिंग क्वेश्चन थे वो करे थे हमने पाइप एंड सिस्टम के, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, फिर टाइम एंड वर्क का बेसिक बेसिक एवरेज स्पीड वगैरह करा था। तो अब बात करेंगे हम कंप्यूटर की। आज की क्लास में जो मैंने कवर किया है दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। आज की क्लास में जो कवर हो रहा है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं पेपरों में, वो वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि मैंने क्लास में इतने एमसीक्यू आपको बता दिए हुए हैं कि आप सभी आंसर दे दोगे इन सवालों का, आप सभी आंसर कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है। 17-18 सवाल लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल बन रहे थे तो मैं सारे ले आया। तो मैं देखना चाहूंगा कि कितने ठीक करते हो। पहले तो ये बताओ मैथ में कितने ठीक करे हैं, कितने सवाल करे थे हमने मैथ के, लगभग 11 सवाल करे हैं, कितने ठीक हुए हैं, कुछ आइडिया है। अच्छा एक गलत हुआ, अब इसमें आपने काउंट करना है, ठीक है, इसमें ऐसा करना आप काउंट करना, मुझे बताना कितने सही कितने गलत करे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो, आपने ही पढ़ना है आपने ही आंसर करना है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत अच्छे, सभी बी आंसर कर रहे हो ना, दिवाकर जी अभी कहाँ देख रहे हो आप, इंस्टाग्राम पे, अभी भी यूट्यूब पे देख रहे हो। इसमें क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एनी डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर इधर इनपुट और आउटपुट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइस। कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो हार्डवेयर डिवाइस है चाहे वो सॉफ्टवेयर डिवाइस है, उसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। चाहे वो आपका प्रिंटर है, चाहे वो आपका माउस है, चाहे वो आपका कीबोर्ड है।
ठीक है, बस सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि वो मेन पार्ट होगा सिस्टम का, कंप्यूटर का। इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, आपकी यूएसबी वगैरह। तो क्या लिखा हुआ है, दे आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं, बस मेन पार्ट नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का, बाकी सब चलेगा। सेकंड क्या है, दे ओनली पुट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड नॉट गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट, बिल्कुल भी नहीं। इट कैन बी ए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है भाई, समझ गया ना। इसने क्या बोला है, दे ओनली पुट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट, भाई ले सकते हैं, आउटपुट डिवाइस नहीं होते क्या? अगर आप स्पीकर लगा लेते हो, मान लो आपने स्पीकर लगा लिया, आपने प्रिंटर लगा लिया, तो क्या वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा? तो क्या वो पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होगा भाई? होगा ना। तो चलो अब सभी बी से सी में शिफ्ट हो चुके हैं, चलो देखते हैं। देयर इज ईदर एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस बट बोथ फंक्शंस नॉट पॉसिबल इन वन डिवाइस, भाई ये क्या बात है। उसने बोल दिया कि जहां तो वो होगा इनपुट डिवाइस या फिर होगा वो आउटपुट डिवाइस, बट दोनों फंक्शन पॉसिबल नहीं है एक डिवाइस में। अच्छा, अगर आपने अपने कंप्यूटर में मोडम आपने लगा दिया, तो क्या मोडम जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है? अगर आपने अपने कंप्यूटर में डिजिटल कैमरा को ऐड कर दिया, तो क्या वो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? अगर आपका जो कंप्यूटर है अगर वो टच स्क्रीन पैनल वाला है, तो क्या वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा? होगा ना भाई। तो मतलब ये तीसरा भी गलत है, चलो सी को भी छोड़ दो। अब क्या बचा आंसर? हाँ जी, अब क्या आंसर बचा? डी। क्या लिखा हुआ है, इट एड्स फंक्शनैलिटी टू द कंप्यूटर, बिल्कुल सही। कोई भी आप डिवाइस कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपने उससे कोई अलग फंक्शन करवाना है, चाहे वो प्रिंटर है, प्रिंट करवाना है, आपने यूएसबी लगा दी, कोई जो होती है हमारी पेन ड्राइव, आपने स्टोरेज दे दी कंप्यूटर को एक्स्ट्रा, ये चीज है भाई। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो मैं ये मान के चलूं कि पहला सवाल सबका गलत था, गलत नहीं था, मैं ये मान के चलता हूं कि पहले सवाल से आप सभी ने कुछ सीखा है। ठीक है, तो अब आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता चल गई होगी कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, चलो बच्चे अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अब इसका आंसर तो सही दे ही दोगे आप। द पैटर्न ऑफ प्रिंटर लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर प्रिंटेड लाइंस बनी होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? हाँ, अब बिल्कुल सही है, इसको बोला जाता है बार कोड। इस तरीके से लाइंस होती हैं, कोई बता सकता है कितनी लाइंस होती हैं? गिन के बताना जरा, हाउ मेनी लाइंस आर देयर, हाउ मेनी लाइंस, होगा कुछ आसपास, गिनना जरा कितनी लाइंस होती हैं। बार कोड में कितनी लाइंस होते हैं, गिन के बताना जरा। 7, 21, 9, 16, गिनो जरा, गिनो कितनी लाइंस होती हैं। 16, 20, सबका अलग अलग। चलो, बार कोड मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 16 भी हो सकता है, 9 लाइंस भी हो सकती हैं, 13 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है बार कोड के ऊपर, 7 भी हो सकते हैं, बिल्कुल नैरो लाइंस, ब्रॉड लाइंस, इस तरीके से होता है। उसमें क्या होता है, डेटा होता है पूरा उस पर्टिकुलर डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, ये होते आसान है बट इसमें क्या है कि गलती के चांसेस हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। हाँ जी, बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, ओनली जो जिसमें जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है वो बताना आपने।
देखो जी, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। आंसर नहीं है। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। आंसर नहीं है। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। आंसर नहीं है। तो बचा क्या है? माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बड़ा ध्यान से आंसर करना है। ज्यादातर कंफ्यूजन होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में, तो ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्कैनर स्कैन्स। जो स्कैनर होता है वो क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, नीदर पिक्चर नो टेक्स्ट। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बड़े आसान सवाल करवा रहा हूँ भाई आपको मैं, और वैसे भी हार्डवेयर में मुश्किल कुछ होता नहीं है क्योंकि डेली यूज करते हैं ना हम इसका, और जो मुश्किल अभी करवाऊंगा वो उसके पेपर में आने के चांसेस भी वैसे कम ही होते हैं। मैं पहले बता दूं, टू बी फ्रैंक, मतलब लेके तो मैं आया हूँ सवाल, लेकिन पेपर में आने के चांसेस उसके कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट दोनों कर देता है जी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है जी। अगला सवाल जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर ए कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर अ कंप्यूटर? अगर आपने कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेजेस वगैरह देनी है तो आप किसका यूज करोगे? प्लॉटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड? शाबाश, ए और बी में लड़ाई चली है। माउस और कीबोर्ड के बारे में किसी ने नहीं बोला, तो मतलब माउस और कीबोर्ड तो आंसर नहीं है, तो प्लॉटर और स्कैनर में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो देखो बच्चे एक चीज समझना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट, इनपुट की बात हुई है, प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस है ही नहीं, तो ये दे ही नहीं सकता कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर से ले सकता है प्रोसेस इमेज, लेकिन कंप्यूटर को कुछ दे नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? स्कैनर। आंसर क्या रहेगा इसका? स्कैनर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इलिमिनेट करने हैं अपने चीजों को। देखो माउस कीबोर्ड का तो कोई काम ही नहीं था, इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो प्लॉटर आउटपुट है। इलिमिनेट करो, ऑप्शंस को इलिमिनेट करो। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनकी कुछ ऑप्शन ऐसी होंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, तो इलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो जो चीज नहीं आती है ऑप्शन को इलिमिनेट करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर, और यू कैन नैरो डाउन योर तुक्का ऑल्सो। जो आपका गैस है उसको भी नैरो डाउन कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो जी, कंट्रोल क्या होता है? जो कंट्रोल की होती है ये कौन सी की होती है? मॉडिफायर की, न्यूमेरिक की, एडजस्टमेंट की, फंक्शन की? तिवारी जी लिख दो जो बात करनी है, जब फोन पे करनी है तो बता दो। फोन पे करनी है तो ये मेरा नंबर है, बट मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी कॉल मत करा करो, ठीक है ना। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो हमारा हमारा पोर्टल यूज कर रहे हैं, वो 60,000 हैं। मैं नंबर लिख तो देता हूँ, फिर पूरा दिन बसता रहता है। एक ही सिम में ये वाला नंबर भी और मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, ठीक है, क्लास के बाद व्हाट्सएप कर लो। बट ये है कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं हमेशा ही आपका रिप्लाई करूंगा, बस वो एक्सपेक्टेशन कम रखना, बस मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपका कोई जरूरी होगा ना, जो मुझे लगेगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे कि मैं अपने काम छोड़ के आपका रिप्लाई कर दूं, तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी हमारी प्रॉपर टीम है, कॉलर टीम है, जो आपकी क्वेरीज को एड्रेस करती है, उनका नंबर भी आपके पास होगा, आप उनसे भी बात कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। चलो, कंट्रोल की कौन सी की होती है? होती है मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है? एक तो कंट्रोल है, एक ऑल्ट है, ऑल्टरनेट की जिसको हम बोलते हैं, एक शिफ्ट है। मतलब अगर आप इनको प्रेस करोगे अकेले, कंट्रोल को, शिफ्ट को, या ऑल्टरनेट की को, तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अगर आप कंट्रोल क्लिक करके छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल का एक काम होता है, अगर आपने कर्जर को हाइड करा हुआ है, कर्जर होता है ना, हम कर्जर यूज करते हैं, तो कुछ अगर आप छोड़ दो तो कर्जर गायब हो जाता है। तो अगर आपने देखना है कि कर्जर कहाँ पे है, तो कंट्रोल की अकेली दबाओ, वो शो हो जाता है कि कर्जर कहाँ पे है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ऑल्ट का, शिफ्ट का कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको किसी के साथ प्रेस करते हो, जैसे मैं मान लो कंट्रोल के साथ प्लस क्या करूँ, ए लगा दूँ, तो क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर मैं बी लगा देता हूँ तो बोल्ट हो जाएगा, सी लगाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा, है ना, ये चीज होती है इसका। तो इनको, इन तीनों कीज को बोला जाता है मॉडिफायर कीज। न्यूमेरिक कीज होती है 0 to 9,
एडजस्टमेंट कीज जो होती है, जैसे टैब हो गया, एस्केप हो गया, ये होती है एडजस्टमेंट कीज। अगर मैं फंक्शन कीज की बात करूँ तो F1 से लेकर F12 तक सारी क्या होती है, फंक्शन कीज होती हैं। तो कीबोर्ड में अलग अलग तरह की कीज होती हैं, ठीक है, नोट्स में आपको दिख गया होगा ये। टैब नहीं आता इसी में भाई, टैब का काम, टैब के ऊपर क्वेश्चन आ गए, मैं नहीं बताऊंगा टैब का क्या काम है, ठीक है नेहा, टैब का क्वेश्चन आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम। ये तो करवाया हुआ आपको, ये तो आपको हार्डवेयर में करवा दिया था। हाँ जी, कौन सा प्रिंटर है जो एक करेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं करता, प्रिंट नहीं करता एट ए टाइम। लाइन प्रिंटर बेटा पूरी लाइन प्रिंट करता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इंकजेट भी पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है, लेजर भी एक बार बीम आती है और पूरा क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक एक करेक्टर को प्रिंट कौन करता है, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यार लेजर प्रिंटर एडवांस्ड प्रिंटर्स की कैटेगरी में आता है, मोस्ट एडवांस्ड प्रिंटर बोला जाता है इसको, पूरा का पूरा एक बार बीम बसती है और प्रिंट बाहर, जो आप देखते हो ना कि बड़े बड़े प्रिंटर लगे हुए हैं, लेजर प्रिंटर ही तो होते हैं वो, फटाफट प्रिंट निकालते रहते हैं, तो एक एक करके थोड़ी टाइप करते हैं वो होता है डेजी व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का यूज कहाँ करते हैं भाई हम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टोगल की पता क्या होती है, टोगल का नहीं, शिफ्ट के साथ कहाँ टोगल होता है भाई, अकेला शिफ्ट प्रेस करके कुछ नहीं होता। टोगल की वो की होती है जिसको एक बार हमने प्रेस किया और दोबारा प्रेस किया तो वो काम जो है वो फिर से वही का वही आ जाए, मतलब एक बार, जैसे सिंपल सी बात है, एक बार हाथ उठाया, दूसरी बार बटन दबो तो हाथ नीचे हो जाए, मतलब एक बार में बटन दबो हाथ ऊपर, दूसरी बार दबो हाथ नीचे, उन्हें बोला जाता है टोगल कीज। जैसे कैप्स लॉक की क्या होती है, टोगल की होती है। जैसे विंडोज की क्या होती है, टोगल की होती है। बताओ चिराग समझ आई ये चीज, अगर आपसे पेपर में सवाल पता क्या आता है कि वाई कैप्स लॉक की इज कॉल्ड एज टोगल की, ऐसे सवाल बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारे पास कंप्यूटर गेमिंग, गेमिंग में यूज होता है जॉयस्टिक का, और जॉयस्टिक क्या होती है, इनपुट डिवाइस, और जॉयस्टिक क्या होती है, इनपुट डिवाइस। गेमिंग में ज्यादातर इसका यूज करते थे पहले हम, आजकल तो और भी बहुत चीजें आ चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ओसीआर रिकॉग्नाइजेस द डैश ऑफ द करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। जो ओसीआर होता है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, ओसीआर पहली बात तो ओसीआर है क्या, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका काम क्या होता है, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, काम कैसे करता है ये, हाउ इट वर्क्स द ओसीआर रिकॉग्नाइजिंग द डैश ऑफ द करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स, क्या आइडेंटिफाई करता है जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जी, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया लेकिन सही आया है, बिल्कुल आंसर आएगा शेप, ये शेप को आइडेंटिफाई करता है। यार इंक को कैसे करेगा वो आइडेंटिफाई, इंक को नहीं करेगा आइडेंटिफाई, है ना। मान लो अगर कोई सॉफ्ट कॉपी को आपने ओसीआर में रखा है, सॉफ्ट कॉपी में इंक थोड़ी होती है, हार्ड कॉपी में तो चलो इंक होती है, सॉफ्ट में थोड़ी होती है, तो साइज कलर मैटर नहीं करता है, वो शेप देखता है कि मान लो अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है तो वो शेप देखेगा कि ए है जी, ये ए लिखा हुआ है या ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ए लिखा हुआ है, सी यू एस अबेकस लिखा हुआ है मान लो, तो ये आप इसकी फोटो खींचोगे तो अगर आप ओसीआर जब इसको स्कैन करेगा वो क्या देखेगा कि शेप क्या है, तो जो शेप होगी वो आ जाएगा, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट आएगा हमारे पास लेजर प्रिंटर क्या होता है जी। हाँ जी,
तो भाई चिराग भाई, अगर तुम्हें सब पता ही है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? अलग अलग कीज के नाम है। मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि टॉगल की क्यों कहा जाता है किसी की को, उसके पीछे का रीजन है, बस ये रीजन है कि अगर कोई की को प्रेस करके दोबारा प्रोसेस करके वापस वही प्रोसेस हो जाए, उसे बोला जाता है टॉगल की। ये होता है इसका मीनिंग। इसका आंसर लेजर प्रिंटर इज अ डैश। क्या है लेजर प्रिंटर? लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर है। अब देखो ये अलग टाइप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कंप्यूटर की दो टाइप, सॉरी प्रिंटर की दो टाइप्स होती है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। उसके अंडर ये सारे प्रिंटर्स आते हैं, ठीक है। तो जो लेजर है वो क्या है? हमारे पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। वो क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनका डायरेक्टली कोई मतलब इंपैक्ट नहीं रहता है पेपर के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस का एग्जाम्पल है? जो पहला सवाल था उसमें एक्सप्लेन मैंने कर दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का बताइए क्या है? देखो पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, बस वो जो डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, एएलयू भी सीपीयू के अंदर ही होता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। एमएस वर्ड क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। तो बचा क्या है हमारे पास? प्लॉटर। बचा क्या है हमारे पास? प्लॉटर बचा है, ठीक है। हालांकि सीपीयू और एएलयू भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, बट ये मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर का, इसलिए इनको पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जाता है। ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। अगर मान लो आपका जो मॉनिटर है, जो आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसका रेजोल्यूशन अगर ज्यादा है तो वो क्यों होता है? कोई बता सकता है? ऑप्शन है लार्जर द पिक्सल, लेस क्लियर स्क्रीन, स्मॉलर द पिक्सल्स, पिक्सल्स हैव नो रिलेशन विद रेजोल्यूशन। बताइए कैसे चलता है ये? देखो पिक्सल जितने बड़े होंगे क्वालिटी उतनी वीक होगी, पिक्सल जितने बड़े होंगे उतनी ही क्वालिटी क्या होगी? वीक होगी। जैसे देखो कोई एक फोटो होती थी, पहले वो फोटो 2 मेगापिक्सल खींचता था, फिर वो 8 मेगापिक्सल आया, आजकल पता नहीं कितना, 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल तक है। तो मेगापिक्सल्स बढ़े किसी एक पर्टिकुलर इमेज में, नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज हुए तो फोटो क्लियर हुई है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज होंगे तो उनका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल। उनका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो जितने स्मॉल पिक्सल होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात नहीं करिए, नंबर ऑफ पिक्सल्स तो ज्यादा ही होंगे, जितने स्मॉल पिक्सल होंगे उतना ही बढ़िया रेजोल्यूशन निकल के आएगा, उतना ही बढ़िया रेजोल्यूशन निकल के आएगा। और आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, रेजोल्यूशन अगर हाई होगा तो स्क्रीन भी ऑटोमेटिकली क्लियर दिखेगी आपको, और पिक्सल हैज नो रिलेशन विद द रेजोल्यूशन, ऐसा नहीं है भाई। पिक्सल्स ही तो है, पिक्सल्स क्या होते हैं बेसिकली? पिक्सल्स की अगर हम बात करें, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। कोई भी इमेज है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? पिक्सल होती है। और जो वीडियो होती है वो भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। बस वो इतनी स्पीड से चलती हैं कि हमें वो मोशन में दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, टैब की इज यूज्ड टू डैश। टैब की का यूज क्यों किया जाता है? अब ये टैब की आ चुकी है ना, टैब की का काम होता है, अकेली टैब की के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। एक तो काम हो गया जी इसका, इसमें से क्या आंसर होगा? लेटर का केस चेंज करने के लिए बेटा कैप्स लॉक की होती है, ये इसका आंसर नहीं है। पेज को डाउन करने के लिए इसका आंसर नहीं होता है, मूव टू एंड ऑफ द पेज के लिए एंड उसका ऑप्शन होता है, ठीक है। आंसर आएगा इसका सी, इंक्रीज द स्पेस। कितनी स्पेस इंक्रीज होती है टैब दबाने से? कितनी स्पेस इंक्रीज होती है बेटा टैब दबाने से? अगर आप टैब का बटन दबाओगे तो कितनी स्पेस आगे जाती है? बताओ भाई।
हाँ जी भाई, एक दो चार, एक दो चार पांच, चार नहीं होती, चार होती है मेरे ख्याल से। तो अगर आप एक बार टैप दबाओगे तो चार हो जाएगी, आई थिंक चार या पांच है ना, एक बार देख लेना इसको, कंफर्म कर लेना। मेरे ख्याल से चार या पांच, पांच होती है शायद, है ना। चलो एक काम और होता है आपसे, इस विच की ऐसे सवाल आ सकता है, विच की इज यूज्ड टू इंटेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंटेंट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास, टैब की। इसका आंसर भी बताए टैब की, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच की इज यूज टू इंटेंट दी पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, स्पीड जो होती है प्रिंटर की, उसको कौन सा यूनिट यूज किया जाता है उसके लिए। विच यूनिट इज यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर, भाई क्या आंसर आएगा इसका यार। इन पैराग्राफ का यार इंटेंट इन द सेंस, जैसे पैराग्राफ शुरू होता है, मान लो यहाँ से शुरू हुआ तो ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है इस तरीके से, इसी को अगर आपने यहाँ से शुरू करना है ना, तो ऐसे ऐसे करके इसे कहा जाता है इंटेंट करना। तो इसके लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। स्पेस का करोगे ना तो वो जगह फिर ना स्पेस जो होती है ना, स्पेस स्पेस दोगे अगर आप, तो वो क्या करता है, उसको ऐसा काउंट करता है कि आपने खाली लिखा उसको कुछ। अगर आप टैब से आगे करते हो तो वो उसको क्या करेगा, प्लेन कर देगा, वो उसको प्लेन कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, कोई भी नंबर अगर आपने मान लो कुछ अंडरलाइन का लगा रखा है, स्कोर अंडरलाइन स्कोर का रखा हुआ है, तो अगर आप स्पेस दोगे तो नीचे अंडरलाइन होता जाएगा, पर अगर आप टैब करोगे तो अंडरलाइन नहीं होगा, क्योंकि आपने इंटेंट करा उसको। विच यूनिट इज यूज टू काउंट द स्पेस स्पीड ऑफ द प्रिंटर, इसका आंसर रहेगा पीपीटी, पीपीएम, सॉरी पेपर पर मिनट, पेपर पर मिनट, पेपर पर मिनट होता है इसका आंसर। स्पीड चेक करनी है ना, तो स्पीड क्या देखोगे प्रिंटर की, कितने पेपर प्रिंट करता है 1 मिनट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मार्किंग, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है मार्किंग के लिए, कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो यूज होता है मार्किंग के लिए। हाँ जी जल्दी से बताइए बच्चे, इसका क्या उत्तर होने वाला है, बड़ा आसान सवाल है, क्लासेस में हमने ये चीज करी हुई है। बताइए भाई क्या उत्तर रहेगा। मार्किंग के लिए यूज किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, जो ओएमआर आपकी शीट नहीं होती मार्किंग के लिए, तो होती है वो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, प्लॉटर का यूज किया जाता है बेटा प्रिंट करने के लिए, हाई डेफिनेशन फोटोज को, इमेजेस को, बैनर्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। रीडर नहीं होता वैसे, हम इसको रिकग्निशन बोलने लग गए अब, तो कोई चक्कर नहीं है वो तो। अब नेक्स्ट, ये तो आसानी है, इन बैंकिंग इंडस्ट्री द फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, क्लास में कराए हुए ये फोटो के साथ, फोटो के साथ याद करो, एचडीएफसी बैंक का चेक मैंने बनाया था। यस, इसका आंसर रहेगा माइकल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेकग्निशन। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। अगला सवाल, एलईडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एलईडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एलईडी क्या है भाई, एलईडी की फुल फॉर्म पता होगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या होती है। एलईडी की फुल फॉर्म बताना क्या होती है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, आंसर भी दे दो इसका और मुझे एलईडी की फुल फॉर्म भी बता दो। अगर किसी को फुल फॉर्म पता है तो आंसर भी पता ही होगा। यस, लाइट अमिटिंग डायट्स, लाइट अमिटिंग या अमिटेड डायट्स, डायट्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अमिट करते हैं, लाइट को अमिट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, एमिसिव डिस्प्ले, एमिसिव डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
तो ये थे हमारे 17 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, बताना जरा कितने ठीक कितने गलत। हाँ जी, बाकी अब आपके साइंस वाले सर आ चुके हैं, प्रहलाद सर, बाकी आपकी क्लासेस बोलेंगे। एक बार लिखो जरा मुझे बताओ कि कितना कितने सही कितने गलत करे हैं आपने। पांच सही बस, 16 सही 17 में से। वेरी गुड। तो जो गलत है मेरे ख्याल से पहले वाला ही हुआ होगा सभी का। पहले वाला तो सबका ही गलत है ना, 15 ठीक 17 में से, 14 12। बहुत अच्छी बात है जी, 14 भाई, 17 में से 17 करो सही, क्योंकि अभी हम सेक्शनली तो कर रहे हैं ना, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास आपकी होगी साइंस की, इसका आंसर सर के आने से पहले ही दे देना आपने, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो सभी, सर आ रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आ रही है आवाज? चलो साइंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस है साइंस के, ओके। हाँ जी, हाँ जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, जल्दी बताइए, आंसर लिखिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। प्रोटेस्टा इंक्लूड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है, विटकर कंसिडर सेल स्ट्रक्चर मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एज क्लासिफिकेशन। थर्ड है, बोथ मोनरा एंड प्रोटेस्टा मे बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। मोनरा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लास्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ सी लिख रहे हैं, कुछ डी लिख रहे हैं। हाँ जी, सी क्यों लिख रहे हो? उषा, गगन, हर्षित, अंजलि, सी क्यों लिख रहे हो? देख के लिख रहे हो या कोई रीजन है? आंसर करो मुझे। हाँ जी, इसका आंसर है बच्चे डी। देखो पहला ठीक है, प्रोटेस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये बात हम कर चुके हैं क्लास में। प्रोटेस्टा वो ग्रुप है जिसमें यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसके सारे यूनिसेलुलर जो कहीं भी फिट नहीं आ रहे थे वो इसमें डाल दिए, तो ठीक है। विटकर कंसिडर सेल स्ट्रक्चर मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल ठीक है कि भाई ऑटोट्रॉफिक है सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक है आपका, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल है कि नहीं है, उसमें से इसमें क्लासिफाई किया था ना उसने। फिर है आपका बोथ मोनरा एंड प्रोटेस्टा भी ऑटोट्रॉफिक, बिल्कुल, और हेटरोट्रॉफिक दोनों है ना। जैसे साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या है, बैक्टीरिया है। मोनरा किंगडम क्या है? ऑटोट्रॉफ है। बैक्टीरिया आपको पता है डिजीज भी कोज करते हैं, वो हेटरोट्रोप है। बैक्टीरिया बहुत सारे, ई कोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, आपको पता है हेटरोट्रोप्स हैं। सेम आपका जो है प्रोटेस्टा में भी प्रोटोजोआ वो आपका हेटरोट्रोप है। मैंने वर्ड यूज किया था डाई एटम्स एंड डाइनोफ्लेजेट्स, वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। वो क्या है? यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और एग्जाम्पल एल्गी का दे सकते हो, नहीं एल्गी इसमें नहीं आएगा, डाइनोफ्लेजेट्स और हाँ जी डाई एटम्स आएगा। तो लास्ट ठीक होगा ना, गलत होगा ना? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपका ये आंसर इसमें क्या आएगा? हाँ जी डी आंसर आएगा। फाइन, चलिए। Which among the following has specialized tissue for conduction of water? सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहा है वस्कुलर टिश्यू किस किस में है, बताइए। हाँ जी, वस्कुलर टिश्यू किस किस में है? ध्यान से आंसर करो ना, एक दूसरे का देख के क्यों कर रहे हो? हाँ जी, चिराग बी क्यों किया है आपने? हाँ जी, बी क्यों किया है? क्लास में इतनी बार मैंने आपको बताया है। हाँ जी,
सिंपल सी बात है इसका, देखो थाइलोफाइटा फाइटा है आपका एलगे, एलगे में नहीं होता। ब्रायोफाइटा कितनी बार बताया है मैंने, इनमें ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम वगैरह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें वस्कुलर टिश्यूज ही नहीं है। फर्स्ट लैंड प्लांट जिनमें वस्कुलर टिश्यू था वो टेरिडोफाइट थे, फिर आपका जिम्नोस्पर्म थे, फिर एंजियोस्पर्म्स थे। 3 और 4 आएगा ना आंसर, 3 और 4 सी आंसर होगा इसका। हाँ जी, क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। डी कैसे हो जाएगा? ध्यान से पढ़ो ना, ये चीजें क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं, डिटेल में हो चुकी है। टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, याद करो एक डायग्राम था, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। हाँ जी, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव। अब सबके तुक्के स्टार्ट हो गए, ए बी सी डी। हाँ जी, सारे इसका आंसर फ्लावर है। देखो टेरिडोफाइटा क्लास में साफ साफ बोला कि फर्स्ट प्लांट थे जिनमें ट्रू रूट ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स थे। ऑब्वियसली फ्लावर नहीं थे क्योंकि सीडलेस होते हैं, सीड प्रोड्यूस होते हैं जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से सीड प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, एंजियोस्पर्म आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। समझो इस चीज को, समझो। तो फ्लावर आंसर क्या होगा? सी होगा। दिमाग लगाओ इसमें, सी। इन विच ऑफ द एनिमल्स सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड? दो क्लासेस में ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, दो बार ये डिस्कस कर चुका हूं अलग अलग क्लासेस में, क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। दो बार ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, दो बार ये डिस्कस हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ए आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। याद करो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ बताया था मैंने। हाँ जी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था कि नहीं बताया था मैंने? उसका एग्जांपल कॉकरोच बताया था कि नहीं बताया था? याद करो। हेमोसाइनिन बताया था कि नहीं बताया था? हेमोसाइनिन जो कॉकरोच का ब्लड होता है, हेमोसाइनिन होता है, उसमें क्या होता है ओपन, उसका ब्लड में सारे के सारे जो है, जो सिलोम होता है उसमें ब्लड फिल होता है, पाइप्स में नहीं होता, पाइप्स में नहीं होता हमारी तरह, पाइप्स मतलब हाँ जी ट्यूब्स में नहीं होता, कैपिलरीज आर्टरीज में नहीं होता, वो ओपन में आ जाता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में की है क्लासेस में। आंसर क्या होगा? ए, एलिफेंटेसिस। अगर ये किसी ने गलत किया ना, इतनी बार डिस्कस किया एलिफेंटेसिस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इसलिए डाला मैंने, इजी है बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एलिफेंटेसिस कौन कॉज करता है भाई, बताइए मुझे। हाँ जी, वुचेरिया, इतनी बार डिस्कस किया क्लास में, ये बहुत कॉमन है, आप किसी ना किसी एग्जाम में इसे पाओगे ही पाओगे। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्केल्स? इनमें से कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें बॉडी पे स्केल्स होते हैं, हार्ड स्केल्टन होता है एक्सोस्केल्टन? ध्यान से आंसर करना, मुश्किल नहीं है, इजी आंसर है, फटाफट करो। हाँ जी, फिश में होता है, बिल्कुल ठीक है, और किस में होता है बताओ? हाँ जी, रेप्टाइल्स में होता है। 2 और 3 विल बी योर आंसर, 2 और 3 आंसर होगा आपका। तो 2 और 3 कौन सा है? सी, सी आंसर होगा। देखो एम्फीबियंस की तो सॉफ्ट स्किन होती है ना, ये तो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। हाँ जी, तो एम्फीबियंस नहीं होते। मैमल्स में हेयर होता है बॉडी स्किन पे, सॉफ्ट स्किन होती है, तो इसका आंसर सी होगा। कोरल्स आर, अब देखो कोरल्स के बारे में मैंने बहुत ये क्लास में बताया था मैंने, और कोरल्स सबको पता है, एनवायरनमेंट में बार बार पढ़ते हो कोरल्स क्या है, कोरल्स ये है, कोरल्स वो है। एक्चुअली में कोरल्स क्या है, इसका आंसर करो। देखो जल्दबाजी कर गई परमिता, आपने जल्दबाजी में आंसर किया, यही दिक्कत है। कोरल सोलिटरी थोड़ी पाए जाता है, कॉलोनीज होते हैं, कोरल की कॉलोनीज होती है भाई,
वही जल्दबाजी मत करो ना, स्पॉन्जेस नहीं आएगा विक्की, स्पॉन्जेस नहीं आएगा। स्पॉन्जेस से अगला फाइलम है, अगला मतलब आपका सिनेडेरिया, कोइलेंट्रेटा, सिनेडेरिया। तो डी आंसर होगा ना, सिनेडेरिया दैट लिव इन कॉलोनीज। आपको पता है कोरल्स अलग अलग नहीं रहते, उनकी कॉलोनीज पाई जाती हैं, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं। तो डी आंसर होगा। फाइन, डी आंसर होगा। जल्दबाजी मत किया करो, बच्चों ने देखा सिनेडेरिया पढ़ा, क्योंकि और ये बहुत बड़ी गलती होती है यूजुअली, लगभग हर बच्चा हर एग्जाम में ये गलती करता है कि ऑप्शंस ना हम एक वर्ड देख के क्लिक कर देते हैं, स्पेशली जो ऊपर वाली ऑप्शंस होती है वो सीधा स्ट्राइक कर जाती है, सिनेडेरिया, चलो ठीक कर देता हूं इसको। जबकि पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो डी आंसर आएगा, और ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है। हां जी, सी में ही पाई जाते हैं। चलिए, स्केल्टन इज मेड ऑफ कार्टिलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में कार्टिलेज का स्केल्टन है? इसमें कॉन्ड्रियोचाइट्स, याद करो, जो जिनका स्केल्टन किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। जिनका स्कल्टन किससे बना हुआ है बच्चे? कार्टिलेज से बना हुआ है। हमने बात की थी क्लास में, ये कार्टिलेज शार्क, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? शार्क, क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने इसका, शार्क होगा। ये आपके ऑस्टियोचाइट से, मतलब जिनकी हड्डियां होती है, जो बोन, अगर मैं बोलूं इनका क्या होगा, जो बोनी फिश होती है, ये कार्टिलेज फिश है। शार्क क्या है? आपकी कार्टिलेज फिश है। इनका जो स्कल्टन है, एंडोस्कल्टन है, वो कार्टिलेज का बना है, ना कि बोन का। फाइन, चलिए, इनमें से एनलीड कौन सा नहीं है? अगर वो एनलीड नहीं है तो वो है क्या, ये भी आंसर करोगे। इनमें से एनलीड कौन सा नहीं है? हाँ जी, ध्यान से करना, नाइन्थ का सी अर्चिन्स, कौन से ग्रुप में आते हैं सी अर्चिन्स, बताओ मुझे। हाँ जी, सी अर्चिन्स कौन से ग्रुप में आते हैं? देखो इनके जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये पक्के से पढ़ने हैं, आपकी क्लास बार बार देखो। सी अर्चिन्स इक्नोडर्मेटा में है, किसमें है बच्चे? वो इक्नोडर्मेटा, स्टार फिश एंड सी अर्चिन्स दो एग्जाम्पल है आपका इक्नोडर्मेटा का। तो ये क्या है? इक्नोडर्मेटा का एग्जाम्पल है ये आपका अर्चिन। नेरस, अर्थवॉर्म एंड लीच, ये किसका एग्जाम्पल है आपका? हाँ जी, ये एग्जाम्पल है आपका एनालिडा का। नेरस कान खजूरा जिसे बुलाते हैं, हम क्या बुलाते हैं? कान खजूरा। अर्थवॉर्म पता है, लीच पता है सबको, जोंक जो होती है। हाँ जी, चलिए, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन, ये क्लास में हुआ है, फैमिली किस किस के बीच में है? अमन एक बार चेक करो, स्टारफिश किस में होती है? नहीं, चिराग जीनस और स्पीशीज के बीच में कैसे हो जाएगी? ऑर्डर पता होना चाहिए, ध्यान से करो ना, ए बी सी डी सारे ही लिख रहे हो इसमें। देखो, नहीं, पहले स्पीशीज आ गई, फिर आपका जीनस आ गई, क्लास में करवाया, जीनस के बाद क्लास आती है। हाँ जी, क्या आती है? क्लास आती है। हाँ जी, सॉरी, जीनस के बाद फैमिली, माय बैड, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद आपका फाइलम, फाइलम के बाद आपका, हाँ जी, किंगडम। तो के पी सी ओ एफ जी एस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एफ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ओ और जी के बीच में, ऑर्डर एंड जीनस के बीच में। ऑर्डर एंड जीनस मतलब सी, बी है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। फाइन, बी आंसर होगा। ये सीधा सीधा आपका मैंने क्लास में करवाया है।
चलिए अब थोड़ा जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन करते हैं. ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट. सारे टॉल प्लांट थे. रीजन क्या था उसका? देखो टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज रिसेसिव, हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय टी और टी. क्या आंसर होगा? इजी क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस कर चुका हूं. हाँ जी, टॉलनेस डोमिनेंट है. डोमिनेंट का अब देखो मेरे हिसाब से जिन्होंने क्लास लगाई है उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है ना. डोमिनेंट और रिसेसिव सब डिटेल में कवर्ड. शॉर्ट रिसेसिव है, बिल्कुल शॉर्ट रिसेसिव है. इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन. दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर. अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स कौन से हैं? हाँ जी, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स कौन से हैं? ए क्यों बोला चिराग? ऐसा कुछ नहीं है, लार्ज और स्मॉल चाहे साइज कुछ भी हो, जो ऑटोसोम्स है ना, ऑटोसोम्स 22 आपके मदर से आए हैं, 22 फादर से आए हैं. इनका हर का चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, हर जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट की दो कॉपीज होंगी सिमिलर कॉपीज, सेकंड की दो कॉपीज होंगी सिमिलर कॉपीज, बट जो एक्स और वाई है, सेक्स क्रोमोसोम है, ये अलग अलग क्रोमोसोम है, ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम है. होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते एक्स और वाई, बाकी सबके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक कॉपी मदर से एक कॉपी फादर से. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? हाँ जी, इसका आंसर क्या आना चाहिए? वाई एन एक्स 3n4 सी आंसर आना चाहिए. ए जायगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू. एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है तो वो क्या होगा? लड़का होगा, लड़की होगी, ठीक है, क्या होगा बताओ? या दोनों में से कोई भी हो सकता है. ये भी गलत कर रहे हो कुछ बच्चे. बी होना चाहिए ना, सीधा सीधा गर्ल आएगा ना, लड़का कैसे हो जाएगा? फादर से एक्स आ गया, मदर से तो सिर्फ एक्स ही आता है ना, मदर से तो एक्स ही आ सकता है, तो ए कैसे हो सकता है जो बच्चे ए कर रहे हैं? हाँ जी, आपका आंसर क्या आएगा? एक्स. हाँ जी, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनेगा तो गर्ल ही हो सकती है ना, वाई तो हो नहीं सकता, बताइए मुझे, है ना, तो गर्ल हो सकती है. आंसर आपका क्या आना चाहिए? इसका बी आना चाहिए. 14th, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट बड़ी होने के कारण कंफ्यूज मत होना. A basket of vegetable contain carrot, potato, radish, tomato. Which of them represent the correct homologous structures? इनमें से correct homologous structure कौन से हैं? बताइए मुझे. Fourteenth का. फोर्टींथ का आंसर होगा सी. देखो रेडिस एंड कैरेट क्या है? आपकी मॉडिफाइड रूट है जो क्या है, क्या स्टोर करते हैं? फूड स्टोर करते हैं. तो सिंपल सी बात है, सेम फंक्शन के लिए आपका इनका इंटरनल रूट है ये स्ट्रक्चर. पोटैटो स्टेम होता है, ठीक है, तो रेडिस एंड कैरेट क्या है? आपके रूट्स हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. If the fossil of an organism is found in the deeper layer of earth, then we can predict that. क्या predict कर सकते हैं? बताइए आंसर मुझे. क्या predict कर सकते हैं हम? क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बी आंसर होगा. इसका क्या होगा? द एक्सटेंशन. हाँ बिल्कुल,
जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो नीचे वाली लेयर्स में, उनके फॉसिल क्या है, नीचे वाली लेयर्स में, जो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर पुराने हैं उनका नीचे मिलेगा, जो अभी एक्सटिंक्ट हुए हैं उनका ऊपर वाली लेयर में मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन? ऑल वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, लास्ट वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गलत कौन सा है? ध्यान से आंसर करना। और मैंने क्लास में ये वर्डिंग यूज की है, चिराग डी क्यों किया है? हाँ जी प्रसन्नजीत डी क्यों किया है? निधि किशोर डी क्यों कर रहे हो आप लोग? ए आंसर होना चाहिए ना इसका, ए आंसर होना चाहिए। देखो चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन, सीधी सी बात है, म्यूटेशन या रिकम्बिनेशन, कोई भी चेंज आए जेनेटिक डीएनए सीक्वेंस में चेंज आएगा तो वेरिएशन आएगी। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। कल ही मैंने बताया था जैसे डीडीटी छिड़क देते हैं हम, तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया ना कि एनवायरमेंट में डीडीटी आ गया। तो जो मच्छर, दो टाइप के मच्छर है, एक में डीडीटी के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस है, एक में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये जो वेरिएशन है ये सिलेक्ट होगी और एवोल्यूशन होगा मतलब आपका, और ये क्या है मर जाएगा। धीरे 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 दो अलग अलग आपके क्या है स्पीशीज बन जाएगी। एक गलत है, ऑल वेरिएशन इन स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। कैसे भाई, अगर वेरिएशन नेगेटिव है, अगर मान लो कुछ ऐसा चेंज आया जो सर्वाइवल का इश्यू क्रिएट करता है, वो थोड़ी सर्वाइव कर पाएगी वेरिएशन। उस जिस इंडिविजुअल में वो वेरिएशन होगी, वो म्यूटेशन होगी, वो क्या है, उसकी डेथ नहीं हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगा, बताइए। तो करेक्ट नॉट ट्रू तो ये हुई ना, ऑल वेरिएशन हैव, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑल वेरिएशन हैव डिफरेंट वे ऑफ यू कैन से सर्वाइवल, कुछ कर पाती है कुछ नहीं कर पाती, ए आंसर होना चाहिए, समझ लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये सारे। अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज जनरली ड्यू टू, हाँ जी कल ही क्लास में करवाया है मैंने, कल ही क्लास में करवाया है आप लोगों को कि किसके कारण होती है। अब ध्यान से आंसर करना, फिर जल्दबाजी मत करना, ध्यान से आंसर करो इसका। बी बी आंसर होगा। देखो सीधी सी बात है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन, धीरे धीरे एक्युमुलेट होती है, ये आपका जो है न्यू स्पीशीज के एवोल्यूशनरी थ्योरी है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएशन से वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होती जाती है और डाइवर्ट होते जाती है, स्पीशिएशन होता है, जो अपने एंसेस्टर है उसे डाइवर्ट होकर न्यू स्पीशीज बन जाती है। इसका आंसर होगा बी। 18th, Select the statement that describe characteristic of a gene. Gene किसे कहते हैं? ठीक है, genes are specific sequence of bases and DNA molecule. बिल्कुल base pairs के नहीं है, sequence बताया नहीं था मैंने क्लास में करवाया, ठीक है। A gene does not code for protein. ये statement गलत है, मैंने क्लास में बोला था हम जीन उन्हें ही मानते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, कोड करते हैं किसी प्रोटीन को, बताया था, गलत हो गया। In individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. Obviously, हर जो inherit होता है हमारे chromosome होते हैं, chromosome पे particular location पे particular gene present होता है। तो 1 and 3 ठीक, 1 and 3 मतलब B, B answer होगा। Each chromosome है, नहीं भाई chromosomes पे एक से ज्यादा gene होते हैं, B answer होगा। इसका answer क्या होगा? B, B answer हो गया, clear? चलिए। Some dinosaur had feather, although they could not fly. But birds have feather that help them to fly. In context of evolutionary, this means
एवोल्यूशन के तौर पे इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। हाँ जी बताइए बताइए। नहीं नहीं सी क्यों कर दिया, सी क्यों कर दिया। हाँ जी एवोल्यूशन के तौर पे पूछा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये फेदर्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर इन बोथ ऑर्गेनिज्म, लेकिन एवोल्यूशन के उस पे कौन सा एवोल्यूशन, तो बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, ये चीज कंक्लूड करोगे ना इससे, बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से। हाँ जी रेप्टाइल से डी आंसर होगा। लास्ट सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर सिलेक्ट करो इनमें से। देखो ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, ये क्या आएगा आपका, हाँ जी एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड मतलब जो किडनी वाली ग्लैंड है उससे प्रोड्यूस होता है एड्रेनलाइन, जो आपका फ्लाइट एंड फाइट वाला हार्मोन है ना उसे बुलाते हैं। फाइन चलिए ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस, मंडे को मिलते हैं क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट भी मंडे को हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स से फिर हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे सेशंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मंडे से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फाइन थैंक यू। चलिए थैंक यू। अब जतिन सर आएंगे आपको इंग्लिश का सेशन लेंगे। चलिए हाँ जी गुड आफ्टरनून जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से बता दीजिए सब क्लियर है, स्टार्ट करें। हाँ जी जय हिंद जी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून राइट। तो आज हम करते हैं कुछ मिक्स एमसीक्यूज, क्या हो रहा है चलिए आपकी स्क्रीन पे सवाल शो होगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे आंसर बताते चलना, मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस जैसे कि हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने ये, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ टुप्रिसाइड। टुप्रिसाइड का ये मुझे नहीं पता ट्रिलियन जी होगी, कंप्यूटर की भी होगी आई थिंक। तो बताते चले टुप्रिसाइड का बताएंगे क्या हो सकता है। हाँ जी हाँ जी बी बोल रहे हैं, चिराग बी बोल रहे हैं, ओके। ये चिराग एक्सेटिट्यूड ही तो नहीं है, नाम चेंज कर दिया हुआ, टू कनकर बोल रहे हैं। अच्छा बी बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं। टू प्रिसाइड का मतलब टू कनकर होता है, जीतना होता है। ये थोड़ा ढंग से देखो, ठीक है ढंग से देखिए, इसका मतलब तो आई थिंक लीड करना होता है, लीड करना होता है इसका मीनिंग। टू प्रिसाइड होता है। सोनी गुप्ता जी जो चल रहा है ना वो पढ़ लो, कंप्यूटर की क्लास अभी तक मेरे को लगता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, मुझे नहीं पता, आपने क्लास लगा रहे हो तो आपको पता होगा, है ना। तो इसका मतलब लीड होता है, तो सिमिलर क्या बनना चाहिए इसका देख सकते हो आप,
ठीक है टू, तो आप इसका थोड़ा देखें, मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन रखी है। टू प्रिसाइड का अर्थ होता है वो अध्यक्षता करना, अध्यक्षता मतलब वही अध्यक्षता मतलब लीड करना, और इस अर्थ से समानता रखने वाला विकल्प है टू ऑफिशिएट, टू ऑफिशिएट जाएगा। ठीक है, मीनिंग्स ऑफ अदर वर्ड्स, इसका पहले वर्ड का मतलब राजी होना होता है, एक्यूज का मतलब राजी होना मान लेना, एक्सीड का मतलब टू कंकर होता है एक्सीड करना मतलब वो इंग्लिश में लिख रहा है, टू कॉन्कर का मतलब सहमत होना, कॉनकॉर्ड होना, टू अकॉर्ड का मतलब स्वीकार करना होता है, अग्री करना होता है, राइट। तो टू ऑफिशिएट हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहले का जो राइट सिमिलर बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेना, ये 16-17 क्वेश्चन होंगे टोटल शायद, ठीक है। चलो सेकेंड का बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताना। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो पार्ट यहां ब्रैकेट में है इसको देखो जरा, आपको इसको रिप्लेस करना है। अगर आपको लगता है माई बींग सही है तो नो इंप्रूवमेंट जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी रिप्लेसमेंट होगी माई हैविंग बीन आएगा, माई सेल्फ बींग आना चाहिए, बींग आना चाहिए अकेला। सो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो प्लीज, क्वेश्चन नंबर डालो सेकेंड और साथ में आंसर कमेंट कर दो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो प्लीज। हाँ जी, द गुड फॉर्चून ऑफ माई बींग योर डिसाइपल, डिसाइपल होता है शिष्य, इन माई यूथ हैज ग्रेटली बेनिफिटेड मी इन माई करियर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड का थर्ड बोल रहे हैं, सेकेंड का थर्ड बोल रहे हैं, बींग बोल रहे हैं, द गुड फॉर्चून ऑफ बींग योर डिसाइपल, ओके देख लेते हैं, सेकेंड का थर्ड बोल रहे हैं, सेकेंड का सी बोल रहे हैं, ठीक है, काफी आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, सी आंसर बोल रहे हैं अधिकतर व्यक्ति, अधिकतर बच्चे जो है सी बोल रहे हैं, सेकंड का थर्ड बोल रहे हैं, तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो गड़बड़ा चुकी है, ठीक है, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को, ठीक है। ये स्टेटमेंट मुझे पहले बताओ, ये पास्ट का कॉन्टेक्स्ट है इसमें, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है? इस सेंटेंस में हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसमें कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की? अच्छा प्रथम राना प्रेजेंट है बेटा, वो पहले की बात कर रहा है, बोले द गुड फॉर्चून ऑफ डैश योर डिसाइपल इन माय यूथ, अरे भाई अपने यूथ की बात कर रहा है वो, कि जब मैं जवान था तो मेरे तुम्हारा शिष्य बनने का जो मुझे मौका मिला, पास्ट की बात हो रही है बेटा, प्रेजेंट तो है ही नहीं इसमें, प्रेजेंट तो है ही नहीं इसमें। अब तुम लोगों का ना यहाँ पे तुम्हें थोड़ा पार्टिसिपल का नॉलेज नहीं है, तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए तो आंसर गड़बड़ा जाते हैं इनके। चलो पढ़ो इसको, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो फिर आपको जो जेरंड का फॉर्म लगाना होता है या पार्टिसिपल के साथ जो है आपको परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है, अर्थात हैविंग प्लस बी थ्री, ठीक है, जैसे हैविंग टेकन बाथ, ऐसे बोलते हो ना आप, नहाने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया, हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन बाथ, राइट, आई बिगैन टू रीड अ न्यूज़पेपर, ये पार्टिसिपल होती है बेसिकली, तो इसका परफेक्ट स्टेट लिखी जाएगी, परफेक्ट स्टेट लिखी जाएगी, तो यहां पे आंसर होगा आपका, आंसर कौन था इसका, पहला था, माई बींग के स्थान पर माई हैविंग बीन आएगा यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे आंसर होगा पहला, द गुड फॉर्चून ऑफ माई हैविंग बीन, बीन यहां पे बी थ्री है, बी की थर्ड फॉर्म, तो आंसर पहला बनेगा बेटा, क्या बात समझ आ रही है, क्या बात क्लियर है, माई हैविंग बीन परफेक्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट की घटना को रिप्रेजेंट के लिए आपको परफेक्ट पार्टिसिपल लिखनी पड़ती है, वहां पे परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, यही यहां पे बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसका बताओ, थर्ड का बताइए, The traveler took rest below the shade of a large पीपल ट्री, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कई बार पूछ लेता है इस फंडे के ऊपर, एरर बन जाता है, तो बताएं सवाज क्या हो सकता है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बता दीजिए सवाज, बी बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो, बी आंसर आ रहा है, थर्ड का बी आंसर आ रहा है, ओके इजी है, थोड़ा सॉल्यूशन बता देंगे, अंडर द शेड लगाओ गुरुजी, चिराग जी अंडर भी नहीं आएगा इसमें, अंडर द ट्री होता है, अंडर द ट्री होता है, ट्री के लिए अंडर लगता है,
क्या मेरे कमेंट्स शो होने लगे हैं, क्या कोई बता सकता है प्लीज? बिल्कुल आशुतोष तिवारी जी, शो हो रहे हैं, कर दिया आपको अनब्लॉक, आपको अनब्लॉक कर दिया है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तो क्या होना चाहिए आंसर? तो आपका देखो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सॉल्यूशन में दिक्कत है, ऑन लगाइएगा। अच्छा, चिराग का आंसर सही है, इन द शेड ऑफ होता है, शेड के लिए छाया में बैठोगे आप, इन आता है, इन द शेड ऑफ, पढ़ो इसको, किसी पेड़ की छाया में बैठने आराम करने के अर्थ में इन द शेड ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, अतः सेकंड सही आंसर है। अब इससे ज्यादा हिंदी में मैं और क्या लेके आऊं, कई बीच में बोलते सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, लो भाई हिंदी लेके आ गया, हिंदी में देख लो, लेकिन हिंदी में पढ़ना नहीं चाहिए, उससे बिगड़ती है इंग्लिश, पर चलो आपकी डिमांड पे, पब्लिक की डिमांड पे हिंदी भी लिख दी। बताओ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग, इजी सवाल है, बता सकते हो। इन द शेड ऑफ, शेड के लिए इन लगता है, वैसे ट्री के नीचे की बात हो तो अंडर द ट्री होता है, वो आपको पता होगा, है ना, इसका बताओ। ऑप्शन बताओ शुभम जी, शुभम गिरी जी, ऑप्शन दो बेटा, यहां पे सॉल्यूशन नहीं बताना। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग, एबिलिटी ऑफ रीडिंग होता है, एबिलिटी ऑफ रीडिंग बोलोगे या रीडिंग एबिलिटी बोलोगे? आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग या रीडिंग एबिलिटी? डी तो नो एरर है, रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए ना, एबिलिटी ऑफ रीडिंग डजंट मेक सेंस। अब हर जगह तुम रूल लगाओगे क्या? थोड़ी सेंस भी बिल्ड करो बेटा, सेंस भी बिल्ड करो। ठीक है, पढ़ो इसको, रिप्लेस माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग विद माई एबिलिटी टू रीड, या तो आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए माई एबिलिटी टू रीड में, और माई रीडिंग एबिलिटी, ये है इसका रूल, एबिलिटी टू प्लस वी वन होता है, एबिलिटी टू रीड हो सकता है या पोजेसिव वी वन आई एनजी लगा के लगा सकते हो, इज द करेक्ट कंस्ट्रक्शन। जैसे कि रीडिंग एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, एक्टिंग एबिलिटी, मतलब थोड़े और भी लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। बताओ सब, बस क्या क्लियर है? एबिलिटी टू रीड भी सही है, क्योंकि ये बता रहा है यहाँ पे एबिलिटी प्लस टू प्लस वी वन होता है, फुल इन्फिनिटिव लगा के भी हम लगा सकते हैं एबिलिटी के साथ, एबिलिटी प्लस टू प्लस वी वन, या तो फिर पोजेसिव केस लगा दो, वी वन प्लस आई एनजी प्लस एबिलिटी, है ना। रीडिंग एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, ड्राइविंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, क्या बात क्लियर है? क्या सभी बच्चों को बात समझ आ गई? चलो देख लो अगला, देखो बताओ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज टू गो फॉर ब्रोक। टू गो फॉर ब्रोक का राइट मीनिंग कमेंट करें, 200 पार करो यार, सेशन को थोड़ा शेयर कर दो बेटा, वीडियो को लाइक कर देना है, सेशन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना अपने आप, थोड़ा शेयर कर दो, 200 पार कर दीजिए। हाँ जी, सी लगाओ, टू गो फॉर ब्रोक, चिराग बोल रहे हैं सी लगाओ, लूजिंग ऑल मनी इन एन एफर्ट टू रिवाइव अ फेलिंग बिजनेस। अच्छा देख लेते हैं, चलो और बच्चे बता दीजिए। अब ये नहीं है चिराग सी बोल रहे हैं तो आप भी सी बोल रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ खुद से बताओ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा डाला मैंने आज। हाँ हाँ मैं समझ गया, एक्सैटिट्यूड है हम, बिल्कुल ओके चिराग जी, ठीक है, ठीक है बेटा। ए बोल रहे हैं काफी बच्चे, ए बोल रहे हैं काफी बच्चे, सी बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या होगा, व्हाट कुड बी द राइट आंसर, टू गो फॉर ब्रोक, है ना। तो इडियम है, छोटा सा मुहावरा है, फोर्थ बोल रहे हैं, सिमरनजीत कौर ए बोल रहे हैं, ठीक है, काफी बच्चे, सुप्रिया कुमारी ए बोल रहे हैं, कई सी बोल रहे हैं, कई सी ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है पढ़ो, क्या क्लियर हुआ बताओ जल्दी, है ना। हाँ, रिस्क टेकन एबिलिटी होता है सर जी, बिल्कुल मृत्युंजय साहब बोल रहे हो, ठीक है। टू गो फॉर ब्रोक का अर्थ होता है हर जोखिम उठाना, और इस अर्थ से समानता रखने वाला विकल्प है टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट, राइट। तो क्या आंसर बनेगा, अब कमेंट करें आंसर, सभी बच्चे अपने अपने आंसर कमेंट कर दो बेटा, ठीक है। हिंदी में भी बताया और इससे ज्यादा क्या बता सकता हूँ, है ना। तो डी तो नहीं होगा, अभी अभी भी डी बोल रहे हैं छाया कुमारी जी, अभी डी कहाँ हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये होगा पहला होगा, टू रिस्क एवरीथिंग इन एन
ऑल आउट एफर्ट, एक बार दोबारा पढ़ लो, टू गो फॉर ब्रोक का मतलब जोखिम उठाना होता है, रिस्क से रिलेटेड होता है। अच्छा ऐसा ही एक और idiom भी होता है, इसको बोलते हैं hangs by a thread, hangs by a thread भी होता है idiom, और इसका मतलब भी होता है hangs by a thread का मतलब भी होता है be in a risky situation, hangs by a thread, इस मुहावरे का मतलब भी होता है be in a risky situation, किसी रिस्की सिचुएशन में होना, राइट, उसको हैंग्स बाय अ थ्रेड बोलते हैं, राइट। चलो अगला देखो, सिक्स्थ का बताओ, टू ट्रिप और मोमेंटरी लूज वंस बैलेंस ऑलमोस्ट फॉल, जब ऐसा लगता है कि ये गिरने ही वाला है ना, जब इंसान लगता है हाँ हैंग्स बाय अ थ्रेड, और बाय प्रपोजिशन आती हैंग्स में, देखना हैंग्स बाय अ थ्रेड आपको ऐसे भी देगा, बाय अ थ्रेड होता है, इन अ थ्रेड होता है, ऑफ अ थ्रेड होता है, तो आपको ध्यान रखना कि वहां पे हैंग्स बाय अ थ्रेड होता है ना। सेशन को लाइक कर देना बेटा, वीडियो को शेयर कर देना एक बार, ठीक है, लाइक और शेयर अपने आप कर दिया करना, इफ यू फाउंड दिस वीडियोस हेल्पफुल तो लाइक शेयर बनता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। इसका बताओ सबस क्या होगा, है ना, जब ऐसा लगता है कि यार गिरने ही वाला, टू टॉटर, टू स्टैमर, स्टैमरिंग आप जानते हैं, टू ब्लंडर, देख लो, पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, टू ट्रिप और मोमेंटरली लूज वंस बैलेंस ऑलमोस्ट फॉल का अर्थ होता है अपना संतुलन खो देना, लड़खड़ा जाना, और इस अर्थ रखने वाला राइट जो सिमिलर बनेगा दैट इज टू स्टम्बल, टू स्टम्बल बन जाएगा, राइट। मीनिंग्स ऑफ अदर वर्ड्स, टू टॉटर मीन्स लड़खड़ाना होता है, टू स्टैमर मीन्स हकलाना होता है, ठीक है, स्टैमरिंग आपको पता है, स्टैमरिंग मतलब हकलाना होता है, जो एक सडन पॉज देता है अपनी स्पीच में, बंदा नेचुरली होता है, कई लोग स्टैमरिंग करते हैं, और एक लिस्पिंग होती है, लिस्पिंग, लिस्पिंग तुतलाना होता है, लिस्पिंग का मतलब होता है कई लोग तुतला के बोलते हैं ना, वो डिफेक्ट स्पीच होती है, डिफेक्ट स्पीच, उसको बेसिकली लिस्पिंग बोलते हैं, स्टैमरिंग जो सडन पॉज देता है अपनी स्पीच में उसको स्टैमरिंग बोलते हैं, राइट। फंबल भी होता है, हाँ फंबल भी बोल सकते हैं, है ना, तो टू टॉटर भी लड़खड़ाना होता है, टू स्टैमर हकलाना, टू ब्लंडर बड़ी भूल करना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बेसिकली टू स्टम्बल, है ना, तो गिरने वाले कॉन्टेक्स्ट में टू स्टम्बल ज्यादा बेटर है। चलो पैल्पेबल का राइट सिमिलर बता दीजिए क्या होता है, पैल्पेबल, पैल्पेबल का राइट सिमिलर वर्ड बताएं बेटा क्या होगा, व्हाट वुड बी द राइट सिमिलर वर्ड फॉर पैल्पेबल, बताइए, सी बोल रहा है, पैल्पेबल इमेंस होता है, आंसर गलत जा रहे हैं, पैल्पेबल तो ये नहीं होता, पैल्पेबल का राइट सिमिलर ए होगा बेटा, गलत क्यों जा रहे हो तुम्हारे आंसर में, समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियस होता है, सफिशिएंट कहां होता है पैल्पेबल, बिल्कुल गलत है, पैल्पेबल होता है जो चीज क्लियर होती है, समथिंग विच इज क्लियर, सो ऑब्वियस होगा ना यार, इमेंस लार्ज थोड़ी होता है, सफिशिएंट हिडन नहीं होते, गलत जा रहे हैं आंसर आज, काफी आंसर गलत जा रहे हैं, इसका बताओ आठवां का, हाँ ऑब्वियसली होता है, इसका बताएं जल्दी, क्वेश्चन नंबर डाला करो यार, क्वेश्चन नंबर क्यों डालते हैं आप लोग, आठवां डालो नंबर, फिर पता ही नहीं लगता किस सवाल का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर डाल दो सब, एक बार क्वेश्चन नंबर डालें क्या होगा, वीडियो को लाइक भी कर देना सभी बच्चे, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दे, विद सी, सी बोल रहे हैं, देखो होता ही है, मैं आपको बता दूं कि ये जो एंग्री होता है, एनॉयड होता है, आपका वेक्स्ड होता है, इनके बाद विद आता है अगर आगे पर्सन हो, अगर आगे कोई पर्सन है तो विद आएगा, इन सबके साथ एट आता है अगर आगे कोई चीज हो, अगर आगे चीज हो तो एट, पर्सन हो तो विद, यहां देखो हिम, हिम मतलब पर्सन है, बंदा है, तो आंसर होगा सी, विद, विद आएगा, डी क्यों आएगा बेटा, डी क्यों आएगा, पर्सन है वो, आई, मैं किससे, किससे इरिटेट, एनॉयड होता है इरिटेट होना, ठीक है, मैं किससे इरिटेट, इरिटेटेड था उस बंदे से,
क्योंकि वो लेट आता है, कोई इंसान है वो लेट आता है, तो इंसान लेट आएगा ना यार, कोई चीज थोड़ी लेट आएगी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, विद आता है पर्सन के साथ। द डॉक्टर, द पेशेंट वॉज एंग्री विद द डॉक्टर। वॉइस प्रॉब्लम है यार, सब तो होना। द पेशेंट वॉज एंग्री विद द डॉक्टर, लेकिन द पेशेंट वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं बेटा, तो फिर एट लगाते हैं, ट्रीटमेंट नॉन लिविंग है, ध्यान रखना, पर्सन के लिए विद लगता है। इसका बताओ, चलो डाई हार्ड का मीनिंग बताएं सबस। नाइन्थ क्वेश्चन पे हम, सवाल नंबर नाइन्थ का राइट आंसर कमेंट करें और 200 लाइक्स भी कर देना, मेरी क्लास खत्म होने से पहले 200 लाइक्स क्रॉस कर दो प्लीज। जो बच्चे लेट आए हो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। डाई हार्ड डे ड्रीमिंग नहीं। अच्छा, डे ड्रीमिंग के लिए हमें ये बोल सकते हैं, सुना है आपने ना हवाई किले बनाना, क्या बोलते हैं उसको, मेक कैस्टल्स इन द एयर, सुना है, मेक कैस्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ये आए तो आप इसके लिए डे ड्रीमिंग कर सकते हो, ख्याली पलाव बनाना कुछ ऐसे भी तो बोलते हैं ना, तो वो मेक कैस्टल्स इन द एयर होता है, इसका आंसर डी होगा, जो कभी चेंज नहीं होता, अनविलिंग होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, शेख चिल्ली गुरु जी, बिल्कुल जी, शेख चिल्ली भी बोलते हैं, है ना, बिल्कुल, ख्याली पलाव बनाना, हवाई किले बुनते रहना, ऐसे बनाते रहना। हाफ डाई हार्ड मतलब कठिन है, मतलब जो बंदा कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं। इसका बताओ फ्रेज आ गई, फ्रेजल वर्ब है, अच्छी फ्रेजल वर्ब है, बताएं सबस। हाँ, मेक कैस्टल्स इन एयर नहीं, इन द एयर, स्टडी विद विक्की, मेक कैस्टल्स इन द एयर होता है स्टूडेंट्स, राइट। चलो, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ जतिन सर, अच्छा जी, ओके, थैंक यू। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिड नॉट डैश वेल इनिशियली, सो गो अप आएगा, गो अलोंग आएगा, गो ऑफ जाएगा या गो डाउन होना चाहिए, गो डाउन लगा दो गुरु जी। अच्छा, इसका मतलब कोई बच्चा बता दे। चलो, गो डाउन, गो डाउन बोल रहे हैं 1000% बोल रहे हैं, गो डाउन आएगा, ठीक है, गो डाउन तो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इसका मीनिंग पता आपको, इसका मतलब होता है रिमेंबर, रिमेंबर, राइट। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिड नॉट रिमेंबर वेल इनिशियली, मतलब उसको ज्यादा याद नहीं किया गया, तो मतलब गो डाउन यहां पर राइट आंसर चला जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका बताओ, Why did you dash your promise? Why did you dash your promise? Blank your promise. हाँ, याद नहीं है थ्योरी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसी सेंस में जाया, गो डाउन रिमेंबर, बिल्कुल। तो इसका बताओ, Why did you dash your promise? थोड़ा और शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को बेटा, ठीक है, 199 हो चुके हैं, वेरी गुड, थोड़ा और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छे लग रहे हैं सेशंस, तो मजा आ रहा है, तो सेशन लाइक करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है, बिल्कुल डी आ जाएगा। मतलब तुम अपने वादे से पीछे क्यों हट जाते हो, है ना, तो फ्रेजल वर्ब वाली लैंग्वेज है, और ये एक दो क्वेश्चन पक्का है आपके ईपीएफओ में आने आने हैं, फ्रेजेस पे ही बच्चा अड़ता है, तो आप अच्छे आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फायदा करेगा आपको। हाँ, वादे से मुखर जाते हो, तुम अपने वादे से क्यों मुखर जाते हो, कई लोग होते हैं प्रॉमिस करते हैं और फिर बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। सो व्हाई डिड यू गो बैक ऑन योर प्रॉमिस, सही क्वेश्चन है। 12वां का बताओ, हलवा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है बेटा, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। मैट डैश वर्किंग इन दिस फॉर्म सिंस 3rd January, मैट एक इंग्लिश बॉय है, उसका नाम है ये, ठीक है, हाँ, मुखरना, बिल्कुल, इसका बताएं सवाल क्या होगा। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, कुछ आंसर मैंने यहाँ पे आपको हिंदी वाली एक्सप्लेनेशन भी लगा दी, ताकि चलो जो हिंदी वाले बच्चे हैं अपने, ठीक है, बोलते सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाइए सर, हमें एरर खोजने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। सी, तो सी, सी क्यों आएगा बेटा, मैट एक है, मैट एक, मैट ये वो मैट मत समझ लेना जो बिछाने वाली मैट होती है, मैट ये बॉय है, एक लड़का है, इंग्लिश बॉय का नाम है मैट, तो आंसर क्या होगा, एक है ये, सिंगुलर है, तो फिर हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन क्यों लगा रहे हैं, सी नहीं होगा, किलर क्रिएशन जी, मैट एक लड़के का नाम है, अंग्रेज जो लड़के होते हैं, मैट है, जॉन है,
है ना, मैरी है, जैसे हिंदू मतलब हमारे इंडियन इंडियंस के नाम होते हैं राहुल, जैसे राहुल है वैसे मैट है, मतलब एक बॉय है ये कुछ और मत समझो आप। चलो इसका बताओ, हाँ हैज बीन हो जाएगा उसका। चलो इसका बताओ, ही इज एंडाउड डैश टैलेंट्स, आ जाता है वर्ड, आ जाता है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, कई एग्जाम्स में देखा जाता है, एंडाउड वर्ब का कॉन्सेप्ट है ठीक है, बी लगा दो जी, बी लगा दो, एंडाउड के साथ, ही इज के साथ कुछ नहीं लगना है ठीक है, टैलेंट्स के हिसाब से नहीं लगना है, इसके हिसाब से लगेगा, एंडाउड के साथ प्रपोजिशन भी आती है, नेचुरल गिफ्ट होता है इसका मतलब है ना, एंडाउड मतलब जो कुछ प्राकृतिक नेचुरल बातें होती हैं बाय बर्थ हमें मिली होती हैं, एंडाउड विद है ना, गिफ्टेड, गिफ्टेड बोल सकते हैं हम, गिफ्टेड, एंडाउड विद का मतलब होता है गिफ्टेड, फिक्स प्रपोजिशन विद लेता है। चौदहों के बताए, थोड़ा घुमा रहा कॉन्सेप्ट थोड़ा, हाँ ब्लेस्ड भी बोल सकते हैं, गिफ्टेड बोल सकते हैं, ब्लेस्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। I inquired dash him into the matter. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को घुमा रहा है, सोच समझ के आंसर देना चौदहवें का। यही तो बात है उमंग आर्या जी, थोड़ा सोच के बताओ बेटा, थोड़ा सोच के आंसर कमेंट करो, ऐसे हवा में तीर मत मारो ठीक है। I inquired with him into the matter. I inquired with him into the matter. यार इनटू तो देखो आना ही नहीं है, अगर मैं यहां पे ऐसे ऐसे लगाऊं, इसको हटा दूं, हिम को हटा दूं, फिर इनटू आएगा, आई इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको एक कॉन्सेप्ट घुमा रहा है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा रहा है, हिम डाल के कंफ्यूजन क्रिएट कर दी इसने, आई इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, इसका मतलब तो होता है कि भाई आप छानबीन कर रहे हो, आप किसी मैटर की छानबीन कर रहे हो, लेकिन यहां पे तो ये क्या कर रहा है, हिम डाल दिया इसने, तो फिर क्या आएगा, फिर तुम यहां पे विद करोगे, ऑफ आएगा, अरे ऑफ आएगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इनटू द मैटर, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे पूछताछ करी किसी विषय को लेके, है ना, तो ऑफ आएगा, आंसर ए होगा इसका। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा दिया इसने, सोचने की बात है, थोड़ा सा बदलाव कर रहा है, ये तो हमने पढ़ा है आई इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, लेकिन हिम लगा दिया, तो उससे उसने इंक्वायरी करी किसी विषय को लेके, सो आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इनटू द मैटर। पंद्रह के बताओ, जिन्होंने ऑफ बोला था उनका सही है। पंद्रहवें का बताओ, क्वेश्चन नंबर पंद्रह का बता दीजिए सवास, क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर क्या बनेगा, अच्छा फिर ऑफ का थोड़ा बता दूंगा, क्लास कर लेंगे कि प्रपोजिशन के ऊपर, और ऑफ कहां कहां यूज होता है, डी बोल रहे हैं है ना, अब ये तो एक इडियम है, पढ़ा होगा आपने मुहावरा है, क्या इडियम है, Ended in smoke होता है, right? Ended, सब धुआं धुआं हो गया, सब धुआं धुआं हो जाना, ठीक है, धुआं धुआं हो गया सब, मतलब ended in smoke हो गया, right? मतलब जैसे ended in smoke हम तब यूज करते हैं जैसे कोई मीटिंग हुई, उसमें सभी ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, कोई भी परिणाम नहीं आता है सामने, तब हम यूज करते हैं कंप्लीटली फेल्ड, बिल्कुल विदाउट रिजल्ट, Came to nothing, ऐसे भी बोल सकते हो, Came to nothing. बताओ पंद्रह में से क्या एक्यूरेसी है, मुझे लगता पंद्रह ही है ये, हाँ पंद्रह ही है, थैंक यू हो गया, चलो पंद्रह में से बता दो सवास क्या, मैंने देखा वैसे आंसर काफी गलत गए हैं आप लोगों के, तो बताओ मुझे पंद्रह में से क्या एक्यूरेसी है, सच सच बताना, ये idiom है ना, माउथ वॉटरिंग फूड, बेटा ये मुहावरा इसमें नहीं, आप को एक्सपेरिमेंट करो, एंडेड इन स्मोक होता है, एंडेड विद स्मोक नहीं होता, ये इडियम है, इसमें मैं थोड़ी कुछ बदलाव करूंगा, हाँ मैं करवा दूंगा सोमल जो बोल रहे हो ऑफ के यूज के लिए, 7, 12, 10, 8 है ना, तो गड़बड़ है बेटा, थोड़ी और मेहनत करो, कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा था स्टार्टिंग में ठीक है, चलो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके बाद देखते हैं कौन आएगी यहाँ पे महारथी, ठीक है एक मिनट रुकना जरा है, मैं पूछ के आता हूँ,
हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप सबका वीकली एमसीक्यू सेशन सुबह से जो चल रहा है बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो अब आपकी लास्ट क्लास होगी, लास्ट सब्जेक्ट की क्लास होगी जिसका नाम है रीजनिंग। और कल ही हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट क्लास, हाँ, कल हमारा रीजनिंग का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज का टेस्ट जो है वो अभी तक की सारा जो आपका सिलेबस है उस पे बेस्ड होगा, ठीक है। और आज हमने इस टेस्ट में सिर्फ इस हफ्ते के नहीं, पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। तो तैयार हो सब रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आज मैंने थोड़ा लेवल भी अच्छा रखा रीजनिंग के क्वेश्चंस का, तो देखते हैं कितने सही आंसर आपके जाएंगे। क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट है तो अब लेवल थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहला सवाल, हाँ जी, हमने क्लॉक किया था इस हफ्ते में, हाँ जी। तो ये आपका क्लॉक का सवाल है, गेन लॉस का क्वेश्चन, गेन लॉस का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, गेन लॉस का क्वेश्चन है ये। जल्दी से करिए सॉल्व और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो अदिति ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चे, आंसर दीजिए इसका। हाँ जी, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ओके, एपीएफसी में रीजनिंग आएगी। देखो सिलेबस में मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग ही होती है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं आएगी, पर यूपीएससी के पेपर में हम ऐसा रिस्क लेके नहीं जा सकते। मेंटल एबिलिटी अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जब आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू होती है ना, बीच में कई बार थोड़ा सा होता है ना, तो वो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे आपको उसने बोला कि एक क्लॉक जो है उसमें ऐसा सा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये वाला नहीं, ऐसा सा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था। एक क्लॉक है जो कि गेन करती है 5 सेकेंड एंड 3 मिनट, 3 मिनट में वो कितना गेन कर रही है, 5 सेकेंड। वो 7 AM पे सही थी, तो वो कह रहा है कि 4:15 पे बताना है कि कितना टाइम हुआ होगा। तो चलिए, 3 मिनट में अगर 5 सेकेंड का गेन है तो 1 घंटे में, हाँ जी, 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितना गेन होगा। तो 60 × 5/3, तो 3 × 2 = 6, 20 × 5, 100 सेकेंड, यानी 1 घंटे में आपका जो है वो कितना गेन है, 100 सेकंड का गेन है। तो आप एक चीज देखो कि 7 AM से लेकर 4:00 तक, 4:15 का मतलब है कौन सा टाइम है, ये 4:15। तो 7 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे बनते हैं, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, कुल मिलाकर 9 घंटे है, ठीक है। तो 9 घंटे में आपके कितने बनेंगे, 900 सेकंड बनेंगे। 1 घंटे में 100 सेकंड है तो 9 घंटे में आपके 900 सेकंड बनेंगे, ठीक है, 900 सेकंड्स बनेंगे। तो अब आप एक चीज देखिए यहां पर कि उसने पूछा ट्रू टाइम बताइए, तो 900 सेकंड जो है वो मिनट में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना बनता है। देखो ये बनता है आपका 15 मिनट, ये 15 आ जाता है सॉल्व करके, 15 मिनट, ठीक है। तो जब आपकी घड़ी ने 4:15 का टाइम दिखाया था तो उस टाइम पे आपकी घड़ी में जो टाइम हुआ था वो था असल में 4, मतलब आपकी घड़ी में 4:15 दिखा था पर जो असली टाइम था वो था 4:00। तो आंसर जो है आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 PM, इसका सही जवाब क्या होगा, 4 PM। हां जी, क्लियर है सबको,
चलिए अगला सवाल ब्लड रिलेशन का है, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, ब्लड रिलेशन का सवाल है, इसका आंसर आप सबने मुझे देना है कि पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी ने अपने फ्रेंड को बोला, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। हाँ जी, तो हाउ इज द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस वुमेन। हाँ जी, हाउ इज द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस वुमेन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हाउ इज द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड, इसमें आपको पहले ही कौन है पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट ही का मतलब क्या है, पोर्ट्रेट किसी मेल का है, ठीक है। यहाँ पे ये ही हो गया, इसका मतलब हो गया इक्वल, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में बोलने वाला कौन है, अ लेडी टेल्स, तो माय कौन है, लेडी, खुद को लेडी मान लीजिए, आपके फादर का भाई, आपके ताया का ग्रैंडसन, ठीक है, आपके ताए का ग्रैंडसन, आपके ताए का ग्रैंडसन उसने बोला, तो बताइए आंसर क्या होगा। हाउ इज द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस वुमेन, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, पोर्ट्रेट जो है वो लेडी का क्या लगता है, आपके ताए का ग्रैंडसन जो है, आपका क्या लगा, आपका लगा नेफ्यू, तो पोर्ट्रेट जो है वो ताया, ताया ताया कौन होता है पता नहीं, ताया चाचा। हाँ जी, तो चलिए आंसर आपका क्या होगा, लेडी का नेफ्यू, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन इसका आंसर है। हाँ जी, उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया, ये पॉइंटिंग वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा अलग है, ये क्लॉक का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा सा अलग है, तो देखिए इसको ट्राई करके कि आंसर क्या आएगा। What is the difference between the speed of second hand and minute hand of a clock in degree per second? Degree per second में आपने speed बतानी है। हाँ जी, चलिए degree per second में आपने speed बतानी है, difference आपको देना है speed of second hand और minute hand का, answer बताइए। देखो आपका जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड जो है वो कितना डिग्री चलता है एक सेकंड में, एक एक सेकंड में वो जहां से जहां चल पड़ता है आपका सेकंड हैंड, वो पूरी 6 डिग्री बनती है, मतलब एक स्टेप जब आपकी घड़ी की सुई चलेगी तो पूरा 6 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये वाली स्पीड होगी 6 डिग्री पर सेकेंड, और दूसरा आपका क्या है मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना चलेगा। हाँ जी बच्चे, ये कुछ और है जो आप कर रहे हो, ये वो नहीं है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कितना चलेगा डिग्री पर सेकेंड। हाँ जी, मिनट हैंड ने क्या करना है, एक मिनट में, मिनट हैंड ने एक मिनट में 6 डिग्री कवर करनी है, मिनट हैंड जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितनी डिग्री करेगा, एक मिनट यानी 60 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितनी करेगा, 6/60 कर लीजिए, तो ये 0.1 आ गया, है ना। आपको पता है कि एक मिनट में आपका जो आर हैंड है, सॉरी आपका जो मिनट हैंड है, एक मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो अगर मुझे एक सेकंड में बताना है, क्योंकि मुझे डिग्री पर सेकंड में चाहिए ना, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, एक मिनट यानी 60 सेकंड, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 6/60 हो गया, तो ये 6 टेन 60, तो 1/10 आ गया, 1/10 का मतलब 0.1, तो एक की स्पीड आ रही है 6 डिग्री, दूसरे की स्पीड आ रही है 0.1, तो हमें इसका डिफरेंस लेना है। देखो जल्दी जल्दी करी जा रही हो, मैंने 1/10 बोला तो आपने मुझे आंसर दे दिया ए ऑप्शन। मैं क्या डिस्कस कर रही हूं, मैं बता रही हूं डिग्री पर सेकेंड मिनट हैंड की, आंसर नहीं है 1/10, तो इसका आपने लेना है डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आएगा 5.9 यानी 59.10 डिग्री पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था और कितना आसान था, ये बिल्कुल आपका बेसिक पे बेस्ड था और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, अभी एक पेपर में आया था, तो वैसे भी यूपीएससी वाले जो है ना वो पेपर से इधर उधर से क्वेश्चन भी उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कैलेंडर का सवाल है। हाँ जी, कैलेंडर का क्वेश्चन है, उसने बोला कि 7 दिसंबर
2007 को पड़ता है फ्राइडे, तो बताइए कि 9 मार्च 2008 को क्या होगा। चलिए करिए सॉल्व। कैलेंडर का सवाल है, 7 दिसंबर 2007 का अगर फ्राइडे है तो 9 मार्च 2008 का क्या होगा। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे आपने 7 दिसंबर 2007 से 9 मार्च पे आना है, तो दिसंबर के कितने दिन रह गए, 7 दिसंबर के बाद 31 माइनस 7 करिए, ठीक है, तो कितने दिन बचे, 24। ओके, उसके बाद जनवरी के 3 odd days, फरवरी, ये 2008 है, 2008 में 29 फरवरी है, तो फरवरी का 1 odd day, ठीक है, और मार्च की 9, तो 7 3 20 1, रिमाइंडर बचा 3, और ये 7 1 7, रिमाइंडर बचा 2, तो 3 3 6 और 1 7 हफ्ता बन गया कैंसल, तो ये 2 odd days बच रहे हैं, तो फ्राइडे में +2 करिए, तो आंसर आपका क्या होगा, इसका संडे होगा। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, क्लियर है सबको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है, कि अगर उसने बोला कि ऑर्गेनाइज का आंसर है BHSPDRHM, ये अगर ऑर्गेनाइज का आंसर है तो आपको बताना है कि डेस्टिन का आंसर क्या होगा। हाँ जी बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए आंसर, प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना सिलेबस खत्म है तो आज तो बहुत स्पीड होनी चाहिए आंसर देने की, बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, नियरेस्ट देखा करो, जैसे देखो ओ के नियरेस्ट ये पी है, आर एस जी एच ए बी एन एम आई एच एस आर ई डी, ठीक है, तो ये आपका +1 होगा, ये आपका -1 होगा, ठीक है। अब यहां पे हाउ इज डेस्टिंड, हां जी हाउ इज डेस्टिंड रिटन इन दैट कोड, DESTY और INED, ठीक है, डी में +1 किया ई में +1 किया एफ, एस में +1 किया टी में +1 किया यू, ठीक है, आई यहां पे आपका -1 होगा, आई में -1 किया एच, एन में -1 किया एम, ई में -1 किया डी में -1 किया सी, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे UTFE, ठीक है, UTFE दोनों में मिल रहा है, आगे CDMH, तो CDMH आपको मिला बी ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, इस सवाल का सही जवाब आपके सामने है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ओके, डन। ओके, तो ये यहां पे मैं ठीक कर देती हूँ, ये ए नहीं है, इसका बी है। चलिए अगला सवाल, ये एक पजल है, ये लॉजिकल सी पजल है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। हां जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यू से छोटा टी, टी से, देखो ये U से T का रिलेशन है, T और S में क्या रिलेशन है, S की तरफ ग्रेटर, फिर आपका T और R में क्या रिलेशन है, T की तरफ ग्रेटर R, फिर R और Q का रिलेशन क्या है, R की तरफ ग्रेटर Q, तो पहले उसने U और S की बात करी, तो देखो U और S में ऑपोजिट साइन है, पहला हो गया गलत, इनका तो रिलेशन ही नहीं आ रहा। फिर S और Q की अगर वो बात करें तो देखो S और Q में S से T छोटा है ना, तो S से छोटा T, T से छोटा R, R से छोटा Q, अगर आप ध्यान से देखो है ना, ये आपका इस तरह से बन रहा है, मतलब अगर मैं यहां पे S लिखूं तो S ग्रेटर हो रहा है, तो S और Q में S is greater, आपका सेकेंड वाला ठीक है। और फिर U R की अगर मैं बात करूं, देखो U से T और T से Q में, और U और R के बीच में U ग्रेटर आ रहा है, तो तीसरा भी सही है, तो सेकेंड एंड थर्ड आपके सही है, जिस वजह से आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। चलो
अगला सवाल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर. हाँ जी, देखिए इसका आंसर क्या होगा. तो देखो, स्क्वायर की गिनती आपको पता है, ये चार है, ये तीन है, मल्टीप्लाई करिए. फोर थ्री जा 12, ठीक है, थ्री टू जा 6, टू वन जा 2, ठीक है. तो यहां पे आपका ये ऐड करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. तो ये आपके 20 स्क्वायर्स है. ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी. ओके, चलिए अगला सवाल देखिए. एक पजल है आपके सामने, अभी कल ही हमने पजल को डिस्कस किया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. हाँ जी, आपके सामने यहां पांच बुक्स है. उसने बोला इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ठीक है, तो ए जो है वो प्लेस्ड है किसके बिलो ई. ओके, फिर ई के बारे में देखो क्या इंफॉर्मेशन है. डी इज प्लेस्ड अबव ई, डी जो है वो ई के अबव है, डी जो है वो ई के अबव है. फिर सी इज प्लेस्ड, में बीच बीच में से लाइनें क्यों उठा रही हूँ जो आपके सोल्यूशन से कनेक्ट हो रहा है. सी इज प्लेस्ड अबव डी, सी डी के ऊपर है, और बी इज प्लेस्ड बिलो ए, बी जो है वो ए के बिलो है. तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल, ठीक है, सरफेस ऑफ द टेबल सबसे नीचे कौन सी बुक है. आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. चलिए अगला सवाल, ये आपको उसने पांच नाम दिए हैं, ठीक है, ये लॉक, डोर, की, स्विच ऑन, रूम. ठीक है, तो यहां पे आपको इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका लॉजिकल सीक्वेंस बताता है. देखो आंसर ये बहुत आसानी से बता सकते हो आप. सबसे पहले आप हाथ में चाबी लेके चलोगे, फिर लॉक खोलोगे ना, तो 3-1 तो आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है. ये लो आंसर आपके सामने है, करना ही क्या था, की आपका 3, लॉक आपका 1. अब लॉक के बाद आप कहाँ जाओगे, डोर खोलोगे नंबर 2, ठीक है, उसके बाद डोर खोलने के बाद आप रूम में जाओगे नंबर 5, और रूम में एंटर करके लाइट ऑन करोगे नंबर 4. यानी इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए एक और पजल है आप सबके सामने, करिए इसको ट्राई. आपको लग रहा है रूम पहले आएगा, तो रूम पहले ही आ रहा है बच्चे, रूम तो पहले ही आ रहा है. रूम में जाओगे तभी तो स्विच ऑन करोगे, दरवाजे पे थोड़ा स्विच लगा होता है, कमरे के अंदर होता है. तो पहले आप रूम में जाएंगे फिर अपनी लाइट ऑन करोगे. ठीक है, चलो ये है एक और पजल, ये एक और पजल है आपके सामने. बच्चे दरवाजा जब बंद है तो रूम थोड़ा दिख रहा है, दरवाजा बिना खोले रूम में कैसे चले जाओगे. चलो ये देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा.
हाँ जी, आपको कह रहे कि एक सोसाइटी जो है उसमें दो तरह के लोग हैं, फाइटर और कॉवर्ड्स। ठीक है, उसने बोला दो कॉवर्ड्स जो है वो हमेशा फ्रेंड होंगे, फाइटर और कॉवर्ड जो है वो हमेशा एनिमीज होंगे। फाइटर हमेशा इंडिफरेंट होंगे एक दूसरे से। अब उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि ए एंड बी आर एनिमीज, ए और बी जो है आपस में एनिमीज है, सी और डी जो है वो फ्रेंड्स है। ठीक है, तो सी और डी अगर फ्रेंड्स है तो ये कॉवर्ड्स होंगे, क्योंकि टू कॉवर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स, तो कॉवर्ड्स में सी और डी आ गया। ठीक है, ई एंड एफ आर इंडिफरेंट टू ईच अदर, तो फाइटर्स आर इंडिफरेंट टू वन अनदर। ठीक है, तो फाइटर्स में आपका कौन आ गया, देखो ई और एफ है ना। उसके बाद उसने बोला ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, ए और ई जो है वो एनिमीज नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला बी और एफ जो है वो एनिमीज है, बी और एफ अगर एनिमीज है तो फाइटर और कॉवर्ड आर ऑलवेज एनिमीज, तो एफ फाइटर है तो बी होगा कॉवर्ड में। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपका एक ही बचता है जो कि ए है, तो ए आपने लिख दिया फाइटर में, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि उसने क्या बोला है, ए ई एंड एफ आर फाइटर्स। तो आंसर इसका क्या है, फाइनल ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो अब हमें देखनी नहीं पड़ी, बाकी तो हमारा हो ही गया, जैसे कि ए और ई जो है ना, अब ए और बी एनिमीज है तो देखो ए भी अलग में आएगा तो अलग में भी आ गया, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। अभी तो हमें ये लाइन उठानी नहीं पड़ी, तरीके से करोगे तो बहुत लाइनें बिना उठाए ही आंसर मिल जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए ई और एफ। तो इसी के साथ आपके आज के रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी हम इसी तरह से आपके एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपका रीजनिंग के सेशन कुछ बचे हैं तो चेक कर लेना, कल लास्ट क्लास थी आपकी रीजनिंग की, सिलेबस कंप्लीटेड है। और लास्ट में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज का सेशन जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आप ईपीएफओ या और कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपका पूरा जो ये वीकली एमसीक्यू सेशन है वो भी खत्म होता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही गया, बट साथ साथ आपका ये पूरा जो ये सेशन सुबह 11:30 बजे से चल रहा है ये भी अब आपका कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।